नमस्कार। इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड इग्नियस रॉक। टुडे वी विल डिस्कस सेडिमेंटरी एज वेल एज मेटामॉर्फिक रॉक्स। सो नाउ वी विल स्टार्ट अबाउट द सेडिमेंटरी रॉक्स। सेडिमेंटरी रॉक्स, सेडिमेंट्री मीन्स अवसादीय चट्टाने। बेसिक रॉक या पेरेंट रॉक इज इग्नियस रॉक। ऑल अदर रॉक्स आर फॉर्म्ड या कॉन्स्टिट्यूटेड थ्रू द रॉ मटेरियल ऑफ द इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक जो है ही पेरेंट रॉक है, और जितने भी बाकी रॉक्स हैं, चाहे सेडिमेंट्री रॉक्स हो यानी कि अवसादीय चट्टाने, या हमारी जो है मेटामॉर्फिक रॉक हो यानी कि रूपांतरित चट्टान है, ये दोनों की दोनी जो है हमारी इग्नियस रॉक से ही बनी है। तो इस तरह से ये सेकेंड स्टेज है रॉक फॉर्मेशंस का। और इग्नियस रॉक एक तो फर्स्ट स्टेज हो जाता है, ये सेकेंड स्टेज हो जाता है। तो सेकेंड ये सेडिमेंट्री रॉक्स है क्या? सेडिमेंट्री रॉक्स एक्चुअल में है कि जो लूजन सॉयल या लूजन सॉफ्ट रॉक्स दैट स्प्रेड ओवर अर्थ सरफेस, जो अर्थ सरफेस के ऊपर ऊपर वाली लेयर है, लूज लेयर है रॉक की, वही सेडिमेंटरी रॉक्स है। तो एक्चुअली इसका होता क्या है कि जो ये लेयर आफ्टर लेयर यानी कि डिपोजिशन होता रहता है, उसी के कारण ये रॉक बनती है। तो मान लीजिए कि कोई इग्नियस रॉक है, सपोज दैट इज द इग्नियस रॉक, इज इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक जो है ड्यू टू द वेदरिंग एंड इरोजन, ड्यू टू द वेदरिंग एज वेल एज द इरोजन, वेदरिंग इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन नेक्स्ट वन इज डिपोजिशन, इग्नियस रॉक ही या कोई दूसरी रॉक हो, मेटामॉर्फिक रॉक्स भी हो सकती है या इट्स सेल्फ सेडिमेंटरी रॉक हो, जब वही रॉक वेदरिंग के द्वारा, इरोजन के द्वारा, ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा और डिपोजिशन के द्वारा उसके शेप में, उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल में, उसके कंपोजिशंस में और उसके जो है टेक्सचर में बदलाव आ जाए, यही रॉक जो है, पहले से कोई रॉक अवेलेबल हो, वो इटसेल्फ सेडिमेंटरी की कोई दूसरी रूप हो सकती है, इग्नियस भी हो सकती है, मेटामॉर्फिक रॉक हो सकती है, कोई भी रॉक हो सकती है। उसमें जो है इन सारे जो है ये जो एजेंट्स हैं, ये एजेंट्स उस पर वर्क करने लगे। उसके बाद इस एजेंट्स के वर्क करने के बाद वो रॉक जो है जब डिपोजिट हो, तो डिपोजिट होगी तो क्या होगी? डिपोजिशन लेयर आफ्टर लेयर, डिपोजिशन लेयर आफ्टर लेयर, लेयर आफ्टर लेयर। जब वही रॉक डिपोजिट हो जाए लेयर आफ्टर लेयर यानी एक लेयर के बाद दूसरी लेयर के पे, तो उस पर क्या होगा कि प्रेशर लगेगा, तो कंप्रेशन, ड्यू टू द कंप्रेशन इट कॉन्सोलिडेटेड एंड सोलिडिफाइड, कोई भी पहले से एक रॉक अवेलेबल है, उसमें वेदरिंग होती है, वेदरिंग मीन्स लूजनिंग द रॉक्स इन सीटू, डीकंसोलिडेशन ऑफ द रॉक्स इन सीटू। जब रॉक असमेकित हो जाए यानी कि उसके जो कण हैं, जो आपस में जुड़े हुए हैं, मिले हुए हैं, वो उससे लूज हो जाएं, एक दूसरे से अलग होने लगें अपनी ही जगह पे, तो उसको कहते हैं वेदरिंग। इरोजन क्या होता है? जब कोई भी रॉक्स मूव कर रही हो एक जगह से दूसरी जगह, और उसके कड़ एक मूवमेंट के मतलब दौरान ही उसके कड़, उसके जो है ग्रेन्स, उसके क्रिस्टल्स अलग होने लगे,
तो उसको कहा जाएगा इरोजन। ये ट्रांसपोर्टेशन क्या है, कोई एजेंट होगा जो ये काम करेगा, यानी कि जैसे विंड है वो ट्रांसपोर्ट करे, मूव करे एक जगह से दूसरी जगह। हमारी जो है रेनफॉल है यानी कि रन ऑफ, वाटर मूवमेंट्स सरफेस में हमने देखा कि पानी एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है तो अपने साथ बहुत सारी जो है मलबा या डिब्रिस या सेडिमेंट्स बहा के लेके चली जाती है और वो ले जा करके कहीं पे जमा कर देती है। ये जो वेदरिंग से लेकर के डिपोजिशन तक का प्रोसेस है, इसको हम कहते हैं डेनुडेशन दूसरे वर्ड में। तो कोई भी रॉक्स है उस पर डेनुडेशनल वर्क हो और उसके बाद वो कहीं पे डिपोजिट होने लगे लेयर आफ्टर लेयर, ड्यू टू द डिपोजिशन लेयर आफ्टर द लेयर इट कंसोलिडेटेड, तो ये कंसोलिडेट हो जाएगी, ये समेकित हो जाएगी, ये बहुत ही मजबूत होने लगेगी लेयर आफ्टर लेयर के बाद। मान लीजिए कि कोई भी रॉक्स ऐसे रिवर के द्वारा ला करके यहां पे एक ऐसे ओशन में एक रॉक ये डिपॉजिट हुई। अब स्टार्टिंग में अगर कोई रॉक इस पे डिपॉजिट होगी ऐसे लेयर आफ्टर लेयर, तो नीचे से इसमें हीट काम करेगी, इसमें नीचे से क्या काम करेगी, अंदर की जो इंटरनल हीट है अर्थ की वो जो है उस पर काम करेगी। दूसरी जो इनकम्बेंट फोर्स है, इनकम्बेंट फोर्स का मतलब क्या है कि ऊपर से जो इसके ऊपर फोर्स काम कर रहा है, क्योंकि ये लेयर जो है ये जो है सुपर इनकम्बेंट फोर्स यानी कि ऊपर वाली लेयर नीचे वाले को कहीं ना कहीं कंपैक्ट कर रही है। दो चीज हो गया, नेक्स्ट पॉइंट क्या हो गया कि हीट और प्रेशर, तो इसको हम कह सकते हैं कि हीट एज वेल एज प्रेशर, प्रेशर ये दोनों जो है कहीं ना कहीं उसको कंप्रेस करेगी। तो ये जो है कंप्रेशन का मामला क्या हो गया हमारा, हीट एज वेल एज द प्रेशर। अब हीट जो है और प्रेशर उसको कंप्रेस करेगी और जब वो कंप्रेस होगी तो बहुत ज्यादा जो है कंपैक्ट होती चली जाएगी। और साथ में अगर उसी रॉक्स में कुछ सीमेंटिंग एजेंट हो, जब उस रॉक्स में कुछ सीमेंटिंग एजेंट्स हो तो यहां पे हम इसको लिख देते हैं कि सीमेंटिंग एजेंट, सीमेंटिंग एजेंट्स। सीमेंटिंग एजेंट्स का मतलब क्या होता है कि जैसे मान के चलिए आयरन है या फेरस कॉन्टेंट है, फेरस कंटेंट हो गया हमारा, हमारा जो है सिलिका हो गया, हमारा जो है ये लाइम हो गया, हमारा ये क्ले हो गया, हमारा ये सिल्ट हो गया, दीज आर द सीमेंटिंग एजेंट। सीमेंटिंग का मतलब क्या होता है, जैसे हम ईंट से मसाला तैयार करते हैं, ईंट को जोड़ते हैं, तो ऐसे कुछ चीजें होती हैं जो उसको बहुत ही कंपैक्ट में जमा देती हैं, पकड़ लेती हैं उसकी पकड़ को, ग्रिप को मजबूत कर देती हैं, तो उसको सीमेंटिंग एजेंट्स कहते हैं। तो जैसे कि लाइम हो गया, लाइम का मतलब चूना हो गया, ये सिलिका हो गया, ये हमारा सिल्ट हो गया, ये क्ले यानी मिट्टी हो गई, ये फेरस यानी कि आयरन के सब्सटेंसेस होते हैं, ये सीमेंटिंग एजेंट का काम करते हैं। यही सारी की सारी चीजें उस रॉक्स में पहले से अवेलेबल होती हैं और उसको और ज्यादा कंपैक्ट कर देती हैं, तो फाइनली हम कहते हैं कि ये सेडिमेंटरी रॉक का फॉर्मेशन हो गया। तो इस तरह से ये जो पूरी प्रोसेस होती है, जब लेयर आफ्टर लेयर जो है इस पे जमा होती है तो उसको क्या कहते हैं, लिथिफिकेशन भी कहते हैं। एक टर्म क्या है इसके लिए, लिथिफिकेशन, लिथिफिकेशन। लिथिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि जब रॉक्स जो है डिपोजिटेड मटेरियल कंसोलिडेटेड थ्रू कंपैक्शन, डिपोजिटेड मटेरियल दीज आर द डिपोजिटेड लेयर कंपैक्टेड एज वेल एज द कंसोलिडेटेड, ठीक है। तो ये जो मतलब कि लेयर जो है डिपोजिट हुई है ये आपस में जकड़ और पकड़ मजबूत करती चली जाए, इसी को हम कहेंगे लिथिफिकेशन। अब यहां पर एक चीज ये देखने का है कि कभी कभार हमारी ये रॉक्स जो डिपॉजिट होती है, देखिए हमने क्या कहा कि एक बेसिक रॉक्स है, कोई भी रॉक्स हो सकती है, इग्नियस इटसेल्फ हो सकती है, सेडिमेंटरी की कोई रूप और हो सकती है, हमारी जो मेटामॉर्फिक रॉक्स भी हो सकती है, कोई भी रॉक्स पहले से अवेलेबल है उस पे क्या है, ये डेनुडेशनल वर्क है। ये क्या कहलाता है हमारा, डेनुडेशनल वर्क है, डेनुडेशनल वर्क है, ये डेनुडेशनल वर्क उस पर काम करे और उसको ले जाकर के कहीं पे फिर जो है डिपॉजिट कर दे और वो जो डिपॉजिट होने लगे लेयर आफ्टर लेयर, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, उसके बाद उसमें जो है वो फोर्स जनरेट हो जाएगा क्योंकि ऊपर का जो है फोर्स उस पर लगेगा, तो उसको हम कहेंगे कि कंप्रेशन के कारण वो जो है कंसोलिडेट होगी और कंपैक्ट होती चली जाएगी और सॉलिडिफाई हो जाएगी और एक तरह से ठोस पदार्थ बन जाएगी। इसमें एक चीज ये देखना है कि ये जो डिपोजिशन है ये कहां हो सकता है, अगर कोई भी सेडिमेंटरी रॉक्स वाटर बॉडीज में डिपोजिट होती है तो उसी को हम कहते हैं आर्गिलेसियस रॉक्स, आर्गिलेसियस।
आर्गिलेशियस का मतलब कि अगर कोई भी मलबा डिब्रिस एनी टाइप ऑफ डिब्रिस सेडिमेंट्स एंड रॉकी सब्सटेंसेस डिपोजिटेड इनसाइड द वाटर बॉडीज दिस रॉक्स इज कॉल्ड द फर्स्ट टाइप ऑफ रॉक्स आफ्टर फॉर्मेशन इज नोन एज द आर्गिलेशियस रॉक्स. बिफोर द ओरिजिन ऑफ द हिमालय द डिब्रिस एंड सेडिमेंट्स वेयर डिपोजिटेड इन साइड द पिथीसी एंड रॉक द बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल ऑफ द हिमालय इज द आर्गिलेशियस. क्यों? क्योंकि आर्गिलेशियस मतलब यह हुआ कि रॉक्स और मलबा रिवर के द्वारा एक ऐसे ओशन था जो इंडियन इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और हमारा जो है यूरोपियन प्लेट के बीच में था, उसको डिवाइड करता था. मान लीजिए कि यहां पे हम लिख देते हैं एक प्लेट हमारा ये था यूरोशियन प्लेट यूरोप प्लस एशिया वाला, और एक प्लेट हमारा ये था ऐसे ले लीजिए इधर ऑस्ट्रेलिया हो गया ये इंडिया हो गया. ये दोनों प्लेट के बीच का जो हिस्सा था वो टेथीसी था. ये दोनों टेथीसी में क्या हुआ कि मलबा इधर से आया, कुछ मलबा या सेडिमेंट्स या डिब्रिस इधर से आया और डिपोजिट होना चला गया. मिलियंस ऑफ द ईयर सच टाइप्स ऑफ डिपोजिशन अकर्ड ड्यू टू द प्रेशर एंड कंप्रेशन. हाउ प्रेशर जनरेटेड हियर नॉट द सुपर इनकम्बेंट बट द कंप्रेशन फोर्सेस कंडेंसेड सच टाइप ऑफ वर्क. यानी कि कंप्रेशन फोर्सेस का मतलब कि ये इधर से इधर इसका मूवमेंट हुआ प्लेट का, इस प्लेट का इधर से इधर मूवमेंट हुआ और ये जो है इसमें रॉक ये जो है इसमें कंप्रेशन जनरेट हुआ. जब कोई भी कन्वर्जेंस फोर्स काम करती है उसको हम कंप्रेशन फोर्स करते हैं. यानी कि दो फोर्स आमने सामने आकर के टकराए एक दूसरे से तो उसी को कहेंगे कन्वर्जेंस फोर्स या कंप्रेशन फोर्स. जब यही अपोजिट डायरेक्शन में काम करती है तो कहला जाती है टेंशन फोर्स. उसको ऐसे समझा जा सकता है कि मान लीजिए एक जो है ये रॉक का टुकड़ा है, ये रॉक जो है इधर से फोर्स काम करती है, ये रॉक इधर से फोर्स काम ये इस रॉक पे इधर से फोर्स काम करेगी. एक टाइम आएगा कि ये रॉक कुछ ऐसे बन जाएगी. ये रॉक इस तरह से इसलिए बन जाएगी कि इधर से दो फोर्सेस काम करें. इस पे जो ऊपर हिस्सा उठ गया उसको एंटीक्लाइन, जो डाउन हो गया उसको कहेंगे सिंक्लाइन. हिमालय इसी तरह से फॉर्म्ड हुआ. इस कंडीशन में हमने क्या देखा कि एक फोर्स इधर से काम की, एक फोर्स इधर से काम की, लेकिन ऐसे फोर्स काम नहीं किए. ये कहीं ना कहीं पहले एक जगह पे डिपॉजिट था. ये वाला फोर्स मान लीजिए हमारा ये वाला फोर्स हो गया जो नॉर्थ की तरफ से आया, ये वाला फोर्स हमारा जो है इधर से आया एंड आफ्टर सर्टेन टाइम्स वी फाइंड दीज मेटेरियल एंड सब्सटेंसेज बकल्ड ओवर दीज मेटेरियल कंपैक्टेड एज वेल एज द कंसोलिडेटेड एंड फॉर्म्ड इन द शेप ऑफ द हिमालय. ये मटेरियल जो है कई सालों के बाद गुजरने के बाद इसमें जमा होता रहा ओशन में और साइड में उस पे ऊपर से तो प्रेशर बन रहा था, नीचे वाले मटेरियल फर्दर जो है कंसोलिडेट और कंपैक्ट होते चले जा रहे थे. इधर से प्लस एक फोर्स इधर से ये काम की कंप्रेशन और ये क्योंकि ये प्लेट मूव कर रही थी नीचे से यानी साउथ से, ऊपर वाली थोड़ी सी इसका स्पीड कम था ये वाली जो ऊपर से थी, ये वाली दोनों जो है आपस में आकर के जब टकराई तो इस तरह से ये जो है वेरी कंडीशन क्रिएट हो गया. इसी को हम कहते हैं कि कंप्रेशन फोर्स यहां पे काम की. और ये इसको हम किसी का नाम देते हैं लेसर हिमालय, तो किसी का नाम ग्रेटर हिमालय, और बीच वाले को हम कभी कहते हैं कश्मीर वैली, या कभी कभी हम इसको क्या कह देते हैं काठमांडू वैली, या हमारा जो है नैनीताल वगैरह में जो लोग रहते हैं वो वाली वैली हो गए. ये इस तरह से फाइनली क्या है कि आर्गिलेशियस रॉक्स. तो आर्गिलेशियस रॉक का मतलब कि जब कोई भी रॉक्स जा करके उसमें जमा हो जाती है वाटर बॉडीज में और उस पर ये फंक्शन वर्क काम करते हैं तो उसी को आर्गिलेशियस रॉक कहते हैं. तो आर्गिलेशियस रॉक क्या है, ये सेडिमेंट्री का एक वैरायटी है. आर्गिलेशियस रॉक की एक शेप एक रूप ये भी हो सकती है कि जो अलूवियल सॉयल है. अलूवियल सॉयल का मतलब क्या होता है कि जब रिवर सेडिमेंट्स डिब्रिस अपने साथ लाती है और प्लेन एरियाज में ला करके अपने दोनों साइड में डिपोजिट कर देती है, इट इज वेरी फर्टाइल सॉयल्स. तो ये जो है इसी को हम आर्गिलेशियस रॉक का ही एक हिस्सा होती है, एक तरह का इसी का एक रूप है जिसको हम कह सकते हैं कि अलूवियल सॉयल. हमारे यहाँ गाँव में इसको कहा जाता है खादर एंड भागर. न्यू अलूवियल मीन्स खादर, यानी कि डिपोजिटेड नियर टू द बैंक्स ऑफ द रिवर. अगर थोड़ा दूरी पर डिपोजिट होती है तो उसको हम क्या कहते हैं खादर, सॉरी भांगर. भांगर का मतलब ओल्ड अलूवियम, तो इसी को कहते हैं अलूवियम. अच्छा, अब सवाल यह है कि ये इसमें जब जमा होती है, जनरली जो सेडिमेंटरी रॉक्स है ज्यादातर सेडिमेंटरी रॉक्स हमारी इसी तरह से मतलब कि कहीं ना कहीं वाटर बॉडीज में ही जमा हुई है, वाटर बॉडीज में जमा होने के बाद उसका फॉर्मेशन हुआ है.
लेयर आफ्टर लेयर का मतलब इसमें लेयर का पाया जाना जरूरी है। जब यही कभी कभार होता क्या है कि ये जो सेडिमेंटरी रॉक्स है इस पे क्या है कि काम करता है विंड ड्राई एरियाज में, जैसे कि राजस्थान का डेजर्ट हो गया। अगर ये ड्राई एरियाज में इस पे जो है हीटिंग एंड कूलिंग इफेक्ट के द्वारा, हीटिंग एंड कूलिंग इफेक्ट अब आ जाइए, ये क्या है, ज्यादातर ये होता है इसमें रन ऑफ यानी वाटर रन ऑफ, रिवर ओवर जो होती है या ओशन बॉडीज होती है वो इसमें फंक्शन कर रही है, काम कर रही है। इस वाली कंडीशन में हमने क्या देखा कि डे टाइम में अगर कोई रॉक्स है, डे टाइम में हमारा मान लीजिए कि कोई रॉक्स है, तो वो होता क्या है कि मान लीजिए कि ये जो है एक चट्टान है, तो डे टाइम में क्या होगा वो स्प्रेड होगा ड्यू टू द हीटिंग, हीटिंग के कारण कोई भी चीज क्या होगी आपकी फैलेगी, तो उसको हम क्या कहेंगे एक्सपेंशन, एक्सपेंशन ड्यू टू द हीटिंग इन डे टाइम्स रॉक्स स्टार्टेड टू एक्सपेंड। अब कोई भी चीज एक्सपेंड होगी तो इसमें क्या है कि ये जो है थोड़ा सा इधर आ जाएगी ऐसे, ये मान लीजिए इधर आ जाएगी ऐसे, तो ये अपने एरिया से थोड़ा सा, और ये वाला जो रॉक इधर वाला है तो उसको ये ढकेलेगी या ये वाली इसको ढकेलेगी, तो बीच में क्या है क्रेक डेवलप होने लगेगा। नाइट टाइम में क्या होगा, नाइट टाइम में इसी रॉक्स में हम क्या देखेंगे ड्यू टू द कूलिंग इन ड्यूरिंग द नाइट्स इट स्टार्टेड टू कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, क्या होगा कॉन्ट्रैक्शन होगा, रात के समय में इसी रॉक्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा, कंपैक्शन होगा, ये आपस में सुकड़ेगी, तो जब ये सुकड़ेगी या कॉन्ट्रैक्ट होगी तो इसका ये जगह कम घेरेगी, तो बीच में स्पेस वैसे क्रिएट हो जाएगा, और सालों साल ये प्रोसीजर इस तरह से चलता रहे कि इट्स थाविंग ड्यू टू द थाविंग एज वेल एज द कूलिंग इट्स एक्सपेंडेड एज वेल एज द कॉन्ट्रैक्टेड, यानी कि दिन के टाइम में ये जो है हीट होती है, रात के टाइम में ये ठंडी हो जाती है, जब हीट होती है तो इसका एरिया बढ़ जाता है, और रात दिन के टाइम में कभी कभार होता क्या है कि इसी रॉक्स में कोई ऐसा थोड़ा सा गैप है मान लीजिए, और इस गैप में क्या होगा कि मान लीजिए कि ये गैप है और यहां पे आकर के वो जमा हो गया फ्रॉस्ट, जिसे हम पाला कहते हैं गांव की भाषा में, ये फ्रॉस्ट इसमें आके जमा हो जाए, तो फ्रॉस्ट का मतलब क्या होता है कि वही जो डीव है जिसे हम क्या कहते हैं ओस, उसका टेम्परेचर बिलो माइनस हो जाता है, बिलो जीरो हो जाता है यानी माइनस में आ जाता है, तो वो क्या है कि आइस में, आइस क्रिस्टल में बन जाता है, फ्रॉस्ट क्या एक्चुअल में आइस क्रिस्टल है, एक बर्फ जो होता है बर्फ के ऐसे जो है बारीक बारीक जो कण होते हैं जिसको हम क्रिस्टल कह सकते हैं, यही फ्रॉस्ट यही आइस क्रिस्टल जो है अगर मान के चलिए कि इसी रॉक्स में कहीं अगर डिपॉजिट हो गया जमा हो गया, तो ये क्या है कि जब कोई चीज ठंड हो जाती है और उसका टेम्परेचर बिलो जीरो हो जाता है तो वो क्या है कि बर्फ बन जाती है, तो बर्फ में हमने क्या देखा कि वो जो है एक्सपैंड होती है फैलती है, तो रात के टाइम पे अगर इसमें कहीं पे आइस क्रिस्टल यानी कि ताला या वो जमा हो गया फ्रॉस्ट, तो ये फैलेगी और इसमें क्रैक को और ज्यादा चौड़ा करेगी, इस क्रैक को और चौड़ा करेगी, इस तरह से इसमें फर्दर क्रैक क्रिएट हो जाएगा। कभी कभार दिन के टाइम में हमने देखा विंड स्ट्राइक करती है और उसके मॉलिक्यूल्स के इस मलबे को बहा के लेके चली जाती है दूर के एरियाज में। ये सारे फंक्शंस कहां पे काम करते हैं, हमने बात किया हीटेड एरियाज में, ड्राई एरियाज में, डिजर्ट एरियाज में, फॉर एग्जाम्पल राजस्थान। और इस तरह से जैसे मान के चलिए जो अरावली है, वही अरावली मिलियंस ईयर तक ऐसे फंक्शन करते करते काम करते करते इसी तरह की एक्टिविटी होते होते पूरे राजस्थान पे एक समय आया कि पूरा का पूरा रेड कलर का डिजर्ट डिपॉजिट हो गया। इसी कारण से पूरे राजस्थान में हम देखते हैं कि रेड कलर की जो सॉयल होती है वहां पे मिट्टी पाई जाती है, तो वो कैसे हुआ, ऐसे ही हुआ, दो तीन फंक्शन ये मेजर हैं, इसी के कारण पूरा जो है एक तरह से ये वेदरिंग हुआ और इरोजन हुआ, उसके बाद वही मलबा विंड के द्वारा ला करके कहीं पर डिपॉजिट कर दिया गया। जब वही मलबा ला करके कहीं पर डिपॉजिट कर दिया गया तो अगर जो डिपोजिशन का शेप होता है अगर वो इस तरह से हीप जमा हो जाता है तो इसी को कहते हैं सैंड ड्यून्स। कभी कभार क्या होता है कि वो जो है मलबा ऐसे ऊपर से लेयर ऐसे जमा होता चला जाता है लेकिन ये आपस में कंपैक्ट नहीं होती है और बहुत ही लूज सॉयल होती है, वाटर आसानी से इसमें पेनिट्रेट कर सकता है, तो इसको हम क्या कहते हैं लोयस प्लेन। तो इस तरह से इस वाली कंडीशन में क्या सेडिमेंट्री रॉक्स की कौन सी फॉर्म हो जाएगी,
इस वाली कंडीशन में हमने देखा कि सेडिमेंट्री की दो तरह की रॉक्स फॉर्म होती हैं। एक तो हम लिख देते हैं एग्जांपल में सैंड ड्यून्स, सैंड ड्यून्स, और दूसरा हम लिख देते हैं लोयस, लोयस। ये सैंड ड्यून्स या लोयस, इसमें यह समझ लीजिए कि लोयस में तो कोई लेयर होती नहीं है, यह सिंगल सेडिमेंट्री रॉक्स की एक वैरायटी है जिसमें कि कोई लेयर नहीं होती है। अब आप आ जाते हैं अच्छा, अब हम लिखते हैं, बातें करते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो इसकी कुछ फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स की बातें कर लेते हैं। तो नंबर एक पे हम देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेडिमेंटरी रॉक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेडिमेंटरी रॉक्स। हाँ, तो उसमें देखते हैं नंबर एक पे क्या है कि फॉसिल्स इसमें पाया जाता है। क्या पाया जाएगा? फॉसिल्स। तो पहली चीज क्या है कि सेडिमेंटरी रॉक्स में फॉसिल्स पाया जाता है, जो भी जीवाश्म है किसके, या रिमनेंट्स ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स इज फाउंड इन द सेडिमेंटरी रॉक्स। ये सेडिमेंटरी रॉक्स किसकी बनी हो सकती है? ये जो है आपका प्लांट एंड एनिमल की जो भी बचे हुए चीजें हैं, तत्व हैं, उसकी ये बनी हो सकती है। तो इसको हम कह सकते हैं कि इसमें फॉसिल्स पाया जा सकता है। इस तरह से इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या हो सकता है हमारा, हम एग्जाम्पल के तौर पर इस पर एड कर सकते हैं कि ऑल फॉर्म ऑफ द कोल्स, कोल जो है हमारा एक तरह से इसी का ही एक वर्जन है, एक इसी का एक सेडिमेंटरी रॉक्स ही है। तो कोल क्या हो जाता है हमारा? सेडिमेंटरी रॉक्स होगा। हुआ क्या है कि जो मान लीजिए कि कार्बोनिफेरस पीरियड, यानी कार्बोनिफेरस पीरियड का मतलब आज से 200 बिलियन ईयर्स, आज से 200 साल पहले, बिलियन साल पहले की बात है, यानी कि कार्बोनिफेरस पीरियड में, सॉरी 200 साल मिलियन, ठीक है 200 मिलियन ईयर्स आज, यानी बीपी, आज से 200 साल बिलियन मिलियन पहले की बात है कि कार्बोनिफेरस पीरियड में बहुत बड़े एरिए में जो हमारा ये इक्वेटोरियल एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट था, वो क्या है कि अर्थ के अंदर चला गया, वो क्या है अर्थ के अंदर चला गया, और प्लेट के मूवमेंट में कहीं बीच में पूरा का पूरा एक प्लेट दूसरे के ऊपर रन ओवर कर गई, यानी एक प्लेट दूसरे के ऊपर ऐसे चढ़ गई, और इस प्लेट के ऊपर जो भी हमारा वो था, क्या कहते हैं, हार्डवुड ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, हार्डवुड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, क्या कहेंगे हम, हार्डवुड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। तो जो भी हमारा ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट था हार्डवुड का सारा नीचे चला गया, और उसके ऊपर कोई दूसरी प्लेट आकर के उसके ऊपर मतलब कि ओवररन होकर के आकर के स्टैंड कर गई। ये जो है अंदर अगर कोई भी हार्डवुड, मान के चलिए इस तरह से समझिए कि एक ये प्लेट है और एक प्लेट के अंदर ये है, ये पूरा डिपोजिटेड क्या है हमारा, फॉरेस्टेड वुड है जिसे हम कहते हैं ट्री, ये इसके अंदर डिपोजिट हो गया। अब नीचे क्या है कि यहां तो अंदर का ये हीट है अर्थ का, और प्लस ये ऊपर का इसका प्रेशर, तो ड्यू टू हीटिंग एज वेल एज द प्रेशर इट कंपैक्टेड, इट्स कंसोलिडेटेड, इट्स बिकम एज ए कोल। जब कोई चीज कोल बनेगी, जब कोई चीज कंपैक्ट होगी, तो क्या है यही चीज हार्डवुड, ये सॉफ्टवुड का नहीं बना कोल, सारा का सारा ऑलमोस्ट कोल हमारा जो है इसी का बना है। तो इसके भी फेजेस हैं, इसका इनिशियल फेज जो कोल का है हमारा, हम कह सकते हैं कि नंबर एक पे पीट है, नंबर दो पे यही फर्दर कंप्रेशन ऑफ प्रेशर विद द पासेज ऑफ टाइम्स इट्स द कार्बन कंटेंट फर्दर मेच्योर्ड एंड ये इज कन्वर्टेड एज ए लिगनाइट, लिगनाइट, लिगनाइट के बाद हमारा यही चीज क्या होगा, बिटुमिनस, बिटुमिनस, बिटुमिनस के बाद हमारा यही चीज हो जाएगा एंथ्रासाइट। अब इसमें देखते हैं, मान के चलिए कि मॉइस्चर, मॉइस्चर, ये जो इनिशियल फेज कोल फॉर्मेशन का जो इनिशियल रूप है जिसको हम कहते हैं कि पीट, ये इसमें सबसे ज्यादा मॉइस्चर है, तो मैक्सिमम मॉइस्चर कहां पे हमारा, यहां पे है, और सबसे लीस्ट मॉइस्चर कहां पे हमारा, इसमें है नंबर एक पे। नंबर दो पे हम इसमें ले लेते हैं कि कार्बन कॉन्टेंट, कार्बन कंटेंट सबसे लेस होगा इसमें, क्योंकि इनिशियल फेज है, कार्बन अभी फुल्ली इसमें जो है इस तरह से
कार्बोनिफेरस में कन्वर्ट नहीं हो पाया, ये वाला हमारा मैक्सिमम अमाउंट पाया जाएगा इसमें, मैक्सिमम अमाउंट हमारा इसी में पाया जाएगा एंथ्रासाइट में। बर्निंग क्या कहते हैं, स्मोक, स्मोक, स्मोक सबसे ज्यादा किसमें क्रिएट होगा, बर्न करने पे सबसे ज्यादा स्मोक ये क्रिएट करेगा। तो मैक्सिमम स्मोक इस वाले मतलब इससे होगा, पीट से, इस वाले में हमारा लीस्ट होगा, लीस्ट स्मोक होगा। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या हो जाता है कि मॉइस्चर हो गया, कार्बन हो गया, स्मोक हो गया, और ये बचा कि जो है कलर, कलर इसका हमारा जो है ग्रे या ब्राउन कलर होगा, ग्रे या ब्राउन कलर होगा। ये वाला हमारा लास्ट में जो है ब्लैकिश होगा, फुल्ली डार्क ब्लैक। जितने मूव करेंगे इसका कलर थोड़ा ज्यादा और ब्लैक, इसका और ब्लैक, इसका और ब्लैक। ये मैक्सिमम जो है आपका स्मोक, सबसे ज्यादा धुआं ये फेंकेगा, उसके बाद ये धुआं फेंकेगा, उसके बाद ये फेंकेगा, उसके बाद ये फेंकेगा। ऐसे ही है जो हमारा ये है, क्योंकि ये इनिशियल फेज है, तो पीट, लिग्नाइट, बिटुमेनस, एंथ्रासाइट है। अब इंडस्ट्रियल यूज, इंडस्ट्रियल यूज यहां हम लिख सकते हैं इसको इंडस्ट्रियल यूज, इंडस्ट्रियल यूज। आयरन स्टील इंडस्ट्री के लिए हमें कोकिंग कोल की जरूरत होती है। इंडिया सारा का सारा कोकिंग कोल आपका ऑस्ट्रेलिया या आपका ब्राजील से इंपोर्ट करता है। इंडिया में डिफिशियंसी है कोकिंग कोल की, और कोकिंग कोल का सबसे बेस्ट क्वालिटी यानी कि जिसमें मिनिमम अमाउंट का जो है हमारा मॉइस्चर हो, मॉइस्चर जो नहीं होता हमारा मिनिमम अमाउंट हो, तो इसमें मिनिमम अमाउंट मॉइस्चर है। इसमें हमारे जो है कार्बन सबसे ज्यादा होना चाहिए, आसानी से उसमें जब ये बर्न करेगा तो ये ग्रीनिश कलर हो जाएगा फ्लेम, या इसका थोड़ा ब्लू या ग्रीन टाइप इसका फ्लेम हो जाएगा। इसका जो है फुल्ली जो धुआं फेंकने वाला होगा, ऐसे जो कलर होता है जिस तरह से हम टायर को जलाते हैं, कुछ इस तरह से जलेगा ये, और इसमें जो है ज्यादा से ज्यादा धुआं होगा। तो आयरन स्टील इंडस्ट्री के लिए बेटर जो है यही प्रीफर किया जाता है, ये वाला कौन सा हमारा, ये वाला आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए ये वाला हम यूज करते हैं एंथ्रासाइट। उसके अलावा क्या है, ये बिटुमिनस को अगर हम यूज करना चाहें आयरन स्टील के लिए, इंडिया में एंथ्रासाइट जो है कहीं पे नहीं पाया जाता है, बहुत लेसर अमाउंट में जेएनके में पाया जा सकता है, बहुत नॉमिनल अमाउंट है। ये जो बिटुमिनस है इसको हम वाशरीज के बाद, यानी वाशरीज मतलब इसको धुलाई करते हैं, इसके मॉइस्चर को हम निकालते हैं, इसको फुल्ली प्योर करते हैं, तो उसको मतलब है कि इसकी इंप्योरिटीज को हम रिमूव करते हैं, जो भी इसमें इंप्योरिटीज होती हैं, अननेसेसरी सल्फर वल्फर के अमाउंट जो चीजें होती है उसको हम बाहर निकालते हैं, उसके बाद ये जो है हमारा यूजेबल हो जाता है, ये भी यूजेबल हो जाता है। आयरन स्टील इंडस्ट्री में हम इसको एकदम यूज नहीं करते, इसको हम आयरन स्टील इंडस्ट्री में फुल्ली यूज नहीं करते हैं। आयरन स्टील इंडस्ट्री में ये जो पीट है उसका तो हम घरेलू वर्क में ही, या बहुत ज्यादा हुआ तो भट्टे वगैरह की चिमनी में इसका यूज हो सकता है, वरना ये पीट तो कोयले में कंसिडर नहीं होता, ये तो इनिशियल शेप है, इनिशियल फॉर्म है कोयले का, कोयला यहीं से माना जाता है लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड एंथ्रासाइट से। ये जो आपका लिग्नाइट्स है इसमें ऑलमोस्ट हमारा ये जो पीट है इसमें 40% से कम कार्बन कॉन्टेंट होता है, ये हमारा लिग्नाइट इसमें 40-60% कार्बन कंटेंट हो सकता है, ये इसमें हमारा जो है 90-95% या मोर देन 90% कार्बन कंटेंट हो सकता है एंथ्रासाइट में। ये जो बिटुमिनस है इसमें हमारा 60-80 या समटाइम्स में भी 85% इसमें बिटुमिनस में कार्बन कंटेंट हो सकता है। तो इस तरह से हमारा बेस्ट यही है। अब सवाल यह है कि जो इंडिया की नेवेली है, नेवेली में हमने देखा होगा कि कौन सा कोल यूज होता है, लिग्नाइट वाले जो है स्टेनलेस स्टील बनाते हैं, क्या बनाते हैं, स्टेनलेस स्टील में हमारा जो निकल मेनली जो होता है वो एक रॉ मटेरियल दूसरा आयरन ओर के साथ यूज होकर के बनाया जाता है। तो स्टेनलेस स्टील जो होती है उसमें हम लिग्नाइट का यूज करते हैं क्योंकि इसमें कार्बन कंटेंट पाया जाता है, तो कार्बन कंटेंट इसके लिए कोई बहुत ज्यादा हार्मफुल नहीं होता, इसके लिए स्पेशल स्टील के लिए एक तरह का अलग स्पेशल स्टील है, तो इसमें इसका यूज हो सकता है। बाकी क्या है कि ये जो है स्पेशली ये है अब रहा मसला इसका कि जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं, इंडिया का कोल अप्रोक्सीमेट सबसे ज्यादा जो है एनर्जी सोर्सेज में यूज होता है। अकेले थर्मल पावर प्लांट इंडिया का 60% या मोर देन 60% कोल यूज करता है। उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है स्टील इंडस्ट्रीज में यूज होता है, उसके बाद जो है घरेलू यूज में होता है हाउस होल्ड यूजेज। तो इसमें हम देखते हैं कि ये जो लिग्नाइट है, बिटुमिनस है और एंथ्रासाइट है, मेनली जो है सारी की सारी यही हमारे यहां इंडिया में सप्लाई होती है। ये कुछ ही जगहों पे पाया जाता है इंडिया में लिग्नाइट, जैसे मान के चलिए कि तमिलनाडु का
तमिलनाडु का नेवेली डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे मेनली पाया जाता है। ये पालना वगैरह जो कि गुजरात में है, उसी की सीम है, उसी की एक बेल्ट है जो डिपोजिटेड लेयर की राजस्थान में, तो उसको भी हम कह सकते हैं कि गुजरात प्लस राजस्थान का जो एरिया जो उससे अटैच है उसमें भी ये पाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है लिग्नाइट्स का, ये जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जैसे कि आपका कुछ मेघालय, आसाम और अरुणाचल प्रदेश वगैरह के एरियाज हैं, वहां पे भी लिग्नाइट पाया जाता है। अब हम आ जाते हैं ये फॉसिल्स फ्यूल से आगे चलते हैं, तो हमारा अगला जो है करेक्टर्स है कि सबसे बड़े एरियाज में वर्ड्स के यही फैला हुआ है। नेक्स्ट हमारा है कि एरिया, एरिया ले लीजिए फर्स्ट नंबर पे जो है सरफेस, सरफेस का मतलब सतह जिस पे हम रहते हैं, तो सरफेस का मेरे ख्याल से 75% जो है हिस्सा सरफेस का जो है ये लिथोस्फीयर है, क्योंकि ये लूज सॉयल है, ये बहुत ज्यादा सॉलिड और कंपैक्ट नहीं है, और ये जो है आसानी से अवेलेबल है, जो ऊपरी लेयर है वो सारी की सारी लिथोस्फीयर में कन्वर्ट हो चुकी है, तो इसीलिए 75%, बाकी रिमेनिंग जो है यानी 3/4 हिस्सा जो है हमारा सरफेस का इसी से कवर्ड है। रिमेनिंग हमारा क्या है जो क्या कहते हैं इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक है, तो 25% वो इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक है। अब हम बात करते हैं क्रस्ट का, जो क्रस्ट है वो कितना परसेंट है, अप्रोक्सीमेट 5% क्रस्ट जो हमारा इसी का बना हुआ, बाकी 95% इग्नियस और मेटामॉर्फिक का बना हुआ। नेक्स्ट पॉइंट हम ले लेते हैं लेयर, इसके लिए लेयर होना जरूरी है, और इसमें लेयर अपनी कैरेक्टर्स और क्वालिटी को रिटेन करके रखती है, वो अपना जो है कैरेक्टर को चेंज नहीं करती, तो लेयर आफ्टर लेयर होना इसमें जरूरी है। उसके अलावा क्या है कि ये परमिएबल और पोरस हो सकता है, परमिएबल एंड पोरस, परमिएबल एज वेल एज पोरस, ये परमिएबल या पोरस की अगर हम बात करते हैं कि कोई भी रॉक्स होती है अगर उससे वाटर कैन पासेस थ्रो, दैट इज परमिएबल, व्हाट इज परमिएबल, वाटर कैन पासेस थ्रो, वाटर कैन पासेस थ्रो, वाटर कैन पेनिट्रेट थ्रो द रॉक्स इनसाइड टुवर्ड्स द डेप्थ, वाटर किसी राख से, पानी जब किसी राख से नीचे की तरफ पेनिट्रेट करके रिस करके चली जाती है तो उसी को हम कहते हैं परमिएबल या परमिएबिलिटी ऑफ द रॉक्स, रॉक परमिएबल वो होगी जिसके अंदर वाटर आसानी से गुजर करके नीचे चली जाए। व्हाट इज पोरस, पोरस का मतलब कि एयर कैन पासेस थ्रो, एयर कैन पासेस थ्रो, पासेस थ्रो यानी किसी भी रॉक से जब एयर आसानी से गुजर जाती है तो उसको हम कहते हैं कि यह रॉक पोरस है। सपोज दैट ब्रेक सॉयल ऑफ द डेकन प्लेटू, सपोज दैट ब्रेक सॉयल ऑफ द डेकन प्लेटू, डेकन सॉयल की अगर हम बात करते हैं मान लीजिए, तो उसमें क्या है ये ले लिया, दूसरे साइड में हमने यहां पे लिख दिया जो अलूवियल सॉयल, अलूवियल सॉयल किस कौन सा है ये हिस्सा, जो आपका नदन प्लेन ऑफ गंगा एंड जो है ये पूरा नदन प्लेन है, दैट इज द अलूवियल सॉयल। हमने क्या देखा कि जो इसके कण हैं, इसके जो पार्टिकल्स हैं, इसके जो ग्रेन है, दैट इज द फाइन ग्रेन, माइक्रोस्कोपिक ग्रेन, जब इसके ग्रेन बहुत माइक्रोस्कोपिक हैं, इसके कोर्स ग्रेन है, बड़े ग्रेन हैं। देखिए दोनों में फर्क देखिए, दोनों में फर्क देखिए, अगर इसके ग्रेन बड़े हैं, हमने क्या किया कि ये वाला पानी यहां पर निकाल डाला, हमने पानी यहां पर निकाल ऐसे ऊपर से गिराया, पानी क्या है इसी के जो ग्रेन्स के जो इसमें प्रिज्म है, जो इसके बीच में स्पेस है, इसी स्पेस में कहीं ना कहीं जाकर के स्टॉक हो जाएगा, पानी कैन नॉट पास थ्रू इस थ्रू द ब्लैक सॉयल, और पानी इसी के बीच में दो दो पार्टिकल, दो दो ग्रेन के बीच में, तीन तीन पांच पांच ग्रेन के बीच में जो स्पेस है उसी में कहीं ना कहीं पानी जो है जाकर के स्टॉक हो जाएगा इसी के बीच में, तो इसको क्या कहा जाएगा, इम्परवियस रॉक, इम्परवियस रॉक्स, ये क्या हो जाएगा हमारा परमियस रॉक्स या परमिएबल है, दिस इज द परमिएबल। अब देखिए पंजाब हरियाणा में ये सॉयल पाई जाती है, तो यहां के किसान अगर सुगर कैन में है जो है सिंचाई करते हैं इसके लिए, तो उनको ज्यादा वाटर की जरूरत होगी क्योंकि वाटर रिस करके नीचे की तरफ चला जाएगा। महाराष्ट्र का किसान अगर अपनी खेत में सिंचाई करता है तो इसमें वाटर इसी में स्टॉक हो जाएगा, जमा हो जाएगा, नीचे नहीं जा पाएगा, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये वाले को पानी कम सिंचाई करना पड़ेगा, तो लेस अमाउंट्स ऑफ द वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर द इरिगेशन फॉर द सुगर कैन क्रॉप्स, कम अमाउंट जो है इसको यूज करना होगा सुगर कैन क्रॉप्स के लिए।
ये जो है पंजाब और हरियाणा, सॉरी ये वहां पे महाराष्ट्र की कंडीशन है, डेकन प्लेटू वाला जहां ब्लैक सॉयल है, ये वाला जो किसान है इसको ज्यादा से ज्यादा अमाउंट वाटर यूज करना पड़ेगा और इस तरह से ज्यादा से जो है इसको पानी खर्च करेगा, ज्यादा ड्रिलिंग करेगा, ज्यादा नहर का पानी वो खर्च करेगा, तो उसमें दिक्कत क्या आएगी कि जो है सिल्टेशन सेडिमेंटेशन और जो क्या कहते हैं अल्कलाइनाइजेशन एंड सलिनाइजेशन की कंडीशन आएगी और वो सॉयल जो है एक टाइप ऐसा आएगा उसकी फर्टिलिटी लॉस होने लगी, मिनरल जो उसका वॉश आउट होकर के नीचे की तरफ चला जाएगा सारा का सारा, तो इस तरह से इसके लिए हार्मफुल हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या बताया, ये परमीबल हो गया। नेक्स्ट इज पोरस। पोरस का मतलब एयर आसानी से गुजर जाए। अब एयर इसमें आसानी से तो गुजर सकती है, इसमें भी आसानी से, क्योंकि इसमें ग्रेन्स बड़े बड़े हैं, इसमें ग्रेन्स का साइज बहुत माइक्रोस्कोपिक है, तो दोनों में एयर गुजर सकता है, तो बोथ आर पोरस बिकॉज एयर कैन पास इजिली फ्रॉम बोथ टाइप ऑफ द सॉइल्स। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाता है, ये परमिएबल हो गया। और ये समझाने के लिए जैसे, क्योंकि कभी कभार एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाते रहेंगे। नेक्स्ट हमारा आ जाता है, अगला हमारा जो है कि परमिएबल हो गया, उसके अलावा जो है ये लूज सॉइल होता है या आसानी से जो है ब्रोक हो जाता है। अब इसी की हम एक दो केस स्टडी के तौर पर एक दो वराइटीज अगर हम पढ़ लेते हैं तो हमारा समझिए कि एक तो सैंड स्टोन हम देख लेते हैं। नंबर एक पे हमारा सैंड स्टोन है, यहां पे सैंड स्टोन है। नंबर दो पे हमारा जो है सैंड स्टोन के बाद जो है कांग्लोमेरेट्स एंड लाइम स्टोन शैल। नंबर दो पे कांग्लोमेरेट्स, नंबर तीन पे लाइम स्टोन, नंबर चार पे हम लिख देते हैं यहां पे शेल, नंबर पांच पे जो है क्ले, नंबर छह पे हम लिख देते हैं यहां पे लोयस, और फिर लोयस हो गया, और उसके अलावा जो है चाक हो गया, चाक भी लिख सकते हैं हम यहां पे, चाक लिख सकते हैं हम, ये जो क्या कहते हैं लाइम स्टोन एज वेल एज द डोलोमाइट, डोलोमाइट भी इसी क्या कहते हैं सेडिमेंटी की एक वैरायटी है। चाक हो गया, लोयस हो गया, क्ले हो गया, शेल हो गया, और फिर हमारा क्या हो रहा है, बच क्या रहा है इसमें, बस ये मोरेन्स वगैरह जो है आपका, मोरेन्स वगैरह जो है ये भी सब इसी में आ जाएंगे, ठीक है, जो ग्लेशियर वगैरह है। तो ये सारे के सारे एक वराइटीज हो गई। इसकी कुछ दूसरी वराइटीज हैं जिसमें ले लीजिए हैलाइट, पोटाश, जिप्सम नाइट्रेट, हैलाइट नाइट्रेट पोटाश एंड जिप्सम, जेटफार या जीफार, जिप्सम, ठीक है। अब देखिए ये जो सैंड स्टोन्स है, सैंड स्टोन्स का मतलब क्या होता है कि जब सैंड्स का बना हुआ हो रॉक्स, स्टार्टिंग में क्या हुआ कि यही रॉक्स बना कैसे कि जब सैंड आकर के किसी भी वाटर बॉडीज में जमा होने लगा, अब सैंड अगर जमा होने लगा उसके ऊपर लेयरिंग आफ्टर लेयरिंग हुई और ये कंपैक्शन हुआ तो ये सैंड स्टोन का फॉर्मेशन हुआ, तो हम क्या कहते हैं उसको सैंड स्टोन। जैसे कि इसी के अभी नेक्स्ट टाइम पे हम और डिटेल में बातें करेंगे मेटामॉर्फिक में। कांग्लोमेरेट्स, कांग्लोमेरेट्स का मतलब कि जब पेबल्स और कोबल्स है, यानी कि जो बजरी टाइप इस तरह से कुछ चीजें होती हैं एंगुलर शेप की, मतलब इतने बड़े इस तरह से छोटे छोटे आकार के इस तरह से, और इसी में बीच में ये सिल्ट और कले अगर हो जाए और ये रॉक्स आपस में कंसोलिडेट हो जाए तो इस तरह से इसको क्या कहा जाएगा, कांग्लोमेरेट्स। इसमें बड़े और छोटे यानी कि ग्रेवल्स पाए जा सकते हैं, ग्रेवल्स का मतलब बड़े आकार का, इतना बड़ा या उससे बड़ा जो होता है वही ग्रेवल होता है। जब ये छोटे छोटे बहुत बारीक बारीक कले ये आकस में इसको आकर के जकड़ लेते हैं, पकड़ बना लेते हैं और उसको कंसोलिडेट कर देते हैं तो इसी को कांग्लोमेरेट कहते हैं। शिवालिक हिमालय इसका एग्जांपल हो सकता है कि जो शिवालिक है हमारा पूरा का पूरा इसी का बना हुआ कांग्लोमेरेट्स का। ये बहुत ही लूजन सॉइल है, ये आसानी से ब्रोक हो सकती है। अब देखिए यहां पर मान के चलिए ये क्या है, ये है ग्रेवल्स हैं, ग्रेवल का मतलब कोबल पेबल्स, ये भी ग्रेवल ये भी मान लीजिए ये ग्रेनुल्स है यानी कि थोड़ा ग्रेवल से छोटा। इसको ऐसा समझ सकते हैं कि मान के चलिए कि जो रिवर है, सपोज दैट कोई रिवर है, सपोज दैट ऐसे ही है, ठीक है, ये क्या है कि
ये ओशन है, ये ओशन बॉडीज है। ओशन बॉडीज में ऊपरी लेयर में हमने क्या देखा, अगर ये कोई रिवर ऐसे फ्लो करती है तो ला करके यहां पे स्टार्टिंग में क्या है, बाउल्डर्स जमा करेगी। बाउल्डर जो है 256 या उससे ज्यादा मिलीमीटर इसका साइज होता है। उसके बाद बाउल्डर के बाद हमारा डी फॉर बाउल्डर, उसके बाद हमारा जो है कोबल्स होता है, ये सी फॉर कोबल्स है, सी कोबल्स। उसके बाद यानी कि कोबल्स का साइज छोटा होगा, कोबल जो होता है इसके बाद टेबल्स, यानी कि कोबल की साइज जो है 256 से लेकर के 64 जो है मिलीमीटर तक हो सकती है, तो ये साइज इसका छोटा होता है। बाउल्डर्स इसको आसानी से आदमी ना उठा पाए। कोबल का मतलब कि 1 फुट या 1/2 फीट की जो इसकी जिसकी उम्र रेडियस की होती है उसी को हम कोबल कहते हैं। उसके बाद जो साइज होगा हमारा पेबल होगा, पेबल, पेबल का मतलब कि इतना छोटा साइज होता है जो कि रोड कंस्ट्रक्शन में यूज होता है, गिट्टी उट्टी ऐसे बड़े बड़े, उसको हम पेबल कहते हैं। उसी पेबल के बाद हमारा आता है फिर ग्रेन्यूल्स आता है, ग्रेन्यूल्स के बाद हमारा आता है ग्रेन, कोर्स ग्रेन, इसका एक बात क्या आएगा हमारा कोर्स ग्रेन। उसके बाद हमारा आएगा फाइन ग्रेन, फाइन ग्रेन के बाद हमारा क्या आएगा, लाइम आएगा ओशन में अंदर। लाइम के बाद हमारा एकदम यहां पे जो है चले जाएंगे इनसाइड में, तो यहां वॉल्केनिक रॉक्स जो है बहुत ही बीच में इसमें पाई जाएगी, तो यह वॉल्केनिक सॉइल पाई जाएगी या वॉल्केनिक रॉक्स पाई जाएगी। तो इस तरह से साइज इसका डिक्रीज होता चला जा रहा है। तो बाउल्डर्स, कोबल, टेबल, ग्रेन्यूल्स, उसके बाद कोर्स ग्रेन, कोर्स ग्रेन का मतलब सैंड, सैंड, सैंड्स जो होता है वो दीज आर द कोर्स ग्रेन। उसके बाद क्या है ये फाइन ग्रेन्स, फाइन ग्रेन्स का मतलब हमारा क्ले एंड क्ले एज वेल एज सिल्ट, दीज आर दी फाइन ग्रेन्स। उसके बाद लाइम, लाइम का तो बहुत बारीक कण होता है, और वॉल्केनिक जो है रॉक्स अंदर इसलिए पाई जाएगी कि वॉल्केनिक लावा अंदर समुद्र में कहीं निकलता रहता है हमेशा, ठीक है। तो इस तरह से इसका साइज के आकार पे, अब ये क्या है देखिए, ये पेबल और कोबल है हो गए, और ये सिल्ट वगैरह हो गया, इस तरह से कंपैक्ट हुई, और ये क्या है कि कांग्लोमेरेट्स क्रिएट हुआ, तो इसको हम शिवालिक हिमालय का इससे बेस्ट एग्जांपल है। उसके अलावा क्या है कि हमारा लाइम स्टोन और डोलोमाइट्स होता है, लाइम स्टोन और डोलोमाइट्स में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही चीज है, बस सिर्फ अंतर क्या है कि जो दोनों जो है कैल्शियम है या कैल्साइट, जो बेसिक मिनरल दोनों का क्या है कैल्साइट है, सॉरी कैल्साइट, कैल्साइट का मतलब कि कैल्शियम का बना हुआ होता है, और डोलोमाइट में एक चीज क्या होगा मैग्नीशियम हो जाएगा, इसमें जो है जब कैल्शियम के साथ मैग्नीशियम मिल जाता है तो उसी को हम डोलोमाइट्स कहते हैं, लेकिन दोनों एक ही चीज है, ठीक है। तो ये कैल्शियम का बना होता है, ये क्या कहते हैं कैल्साइट का मतलब ये एलिमेंट कैल्साइट का क्या है कैल्शियम, और ये कैल्शियम जब कई कैल्शियम मिलकर के क्या बनाएंगे कैल्साइट बनाएंगे, ये मिनरल हो गया, और इसी मिनरल से हमारा ये रॉक्स लाइमस्टोन बना हुआ है, ठीक है। तो लाइमस्टोन जो होता है यही कैल्साइट या कैल्शियम कार्बोनेट्स वगैरह जो है लेयर आफ्टर लेयर डिपोजिट होते हैं। ये बेसिक इसका कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल क्या है पॉलीफ्स है, यानी कि कोरल रीफ्स है, इसका बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल क्या है पोरल पोरल्स या सॉरी कोरल लीव्स, कोरल रीफ्स एज वेल एज द पॉलीफ्स, हाँ पॉलीफ्स, पॉलीफ्स एज वेल एज द कोरल रीफ्स इसका बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल है। उसके बाद हमारा शेल है, शेल एक तरह का रॉक है, क्ले एक तरह का रॉक है, ये भी जो है लॉयस भी हमारे जो लॉयस की बेस्ट एग्जांपल ये ले सकते हैं कि जो नॉर्थ वेस्टर्न चाइना है वहां पे ये बारीक का बहुत फाइन मतलब कि ग्रेन जो है विंड के द्वारा जा करके डिपॉजिट हो गए, और उसमें कोई लेयर नहीं पाया जा सकता, उसमें वाटर आसानी से पेनिट्रेट कर सकता है इस तरह से, और ये एक तरह से हीप होता है उसका डिब्रिस का या सेडिमेंट्स का, और इट कैन नॉट बी यूज फॉर द कल्टिवेशन। जब ये हुआंगहो रिवर लोएस प्लेन से गुजरती है नॉर्दर्न चाइना में, तो क्या होता है कि वो अपना कोर्स बदल देती है, ये उसके कोर्स को, क्योंकि ये सेडिमेंट्स इसके मलबा उसी में मिक्सअप हो जाते हैं, क्या कहते हैं सस्पेंडेड हो जाते हैं, और उसका वो बहुत ही ओवरलोड हो जाती है रिवर, और अपना डायरेक्शन बैंक बदलने लगती है, जिसकी वजह से फ्लड आने लगता है, तो इसीलिए सारो ऑफ चाइना कहते हैं वांगो रिवर को। इसका कलर जो लोएस है वहां पे क्या है कि येलो कलर है, इसी के नाम पे उस रिवर का नाम येलो कलर भी पड़ जाता है। ये लोएस वाली कंडीशन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर बात किया जाए तो कहां पाई जाएगी, ये वाली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये हमारा जो है मान के चलिए कि राजस्थान का डेजर्ट है, ये राजस्थान के डिजाइन में जो आपका मथुरा वाला बेल्ट है, ये भिवानी बगार, भिवानी बगार समझिए कि विंड जो है अपने साथ फाइन पार्टिकल्स ला करके यहां पे आउटस्कर्ट्स ऑफ द डिजर्ट से, आउटस्कर्ट्स ऑफ द ये राजस्थान डिजर्ट, दीज आर दी स्प्रेडेड ओवर ए लार्ज एक्सटेंसिव एरियाज, ठीक है। और ये जो है भिवानी बगार इस तरह से चूड़ू झुंझुनू इस तरह के एरियाज में डिस्ट्रिक्ट में आप देखेंगे तो लोएस प्लेन की कंडीशन पाई जाएगी। उसके अलावा लोएस प्लेन ये जब नर्मदा फ्लो करती है आपका
धुआंधार फॉल जहां पे है, तो वहां पे जो है एक कंडीशन ये भी है लोएस्ट प्लेन की इंडिया में, वहां पे भी कुछ एरियाज में इस तरह से रॉक डिपोजिटेड है, वो लोएस्ट का एक स्कार्फ बनाती है। ये कोई सॉलिड रॉक्स नहीं होती है, ये बारीक बारीक कण ऐसे ऊपर नीचे जमा होते चले जाते हैं, इसमें कोई लेयर भी नहीं हो सकती है। वाटर अगर हम डालेंगे तो आसानी से नीचे ये चला जाएगा, इसमें कल्टिवेशन नहीं हो सकता, इसमें एग्रीकल्चर नहीं हो सकती। नेक्स्ट हमारा आ गया चाक। चाक ये जो है फेरोमैग्नीफेरस, ये एक तरह से ऑर्गेनिज्म पाया जाता है उसमें ओशन में, उसी का ये चौक बना हुआ। ये फर्दर जो है लूज होती है लाइमस्टोन के मुकाबले में, ये ज्यादा लूज होती है, ये जो है ज्यादा पोरस होती है, इसमें आसानी से वाटर परकुलेट कर जाएगा इसके मुकाबले में। अब ले लेते हैं हम एक इंपॉर्टेंट इसमें रॉक्स हमारा है शैल है, शैल की हम बातें कर लेते हैं। शैल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शैल एंड एज वेल एज द क्ले, शैल एंड क्ले दोनों में क्या अंतर है? दोनों में कोई अंतर नहीं, बस दोनों के ग्रेन की बात होती है। जैसे मान के चलिए सपोज दैट ये हिमालय है और हिमालय से एक रिवर निकलती है, रिवर गंगा, और रिवर गंगा डिस्चार्ज इट्स वाटर इन द बे ऑफ बंगाल। व्हेन इट्स कमिंग आउट फ्रॉम द हिमालय इन द फुट हिल ऑफ द हिमालय यू कैन फाइंड इट स्प्रेड द बाउल्डर्स, हियर इट इज कोबल्स, इट इज बाउल्डर्स, इट इज कोबल्स, इट इज पेबल्स, इट इज सैंड्स, सैंड्स। अब जब ये हिमालय उत्तराखंड और यूपी के बॉर्डर पे गंगा निकल करके आती है तो वहां पे सैंड माइनिंग होती है। जैसे ये जो है सहारनपुर या आपका बिजनौर और जो है क्या रे बिजनौर और जो है ये हरिद्वार से आगे निकलती है तो सैंड की माइनिंग नहीं होती है, क्योंकि यहां से लेकर के बस यहीं तक उत्तराखंड और यूपी के बॉर्डर तक, यहां से लेकर के हमने देखा ये मिडिल हिमालय तक ये पूरा का पूरा सिल्ट वाला जोन हो जाएगा। ये जब बहुत ज्यादा बारीक हो जाते हैं इसी के कण जो है तो ये क्ले हो जाता है, फाइनली ये जो बे ऑफ बंगाल में जहां ये वाटर डिपोजिट डिस्चार्ज करती है तो ये क्ले वाला जोन हो जाता है इसमें, क्या कहते हैं गंगा में। तो इस तरह से साइज के हिसाब से, अब ये ले लीजिए कि जो ये शैल है, ये सॉरी शैल कह रहा हूं, ये सिल्ट है इसका, ये शैल नहीं ये सिल्ट है, सिल्ट है, ये गलत लिख गया, शैल इसी से बनता है, क्या कहते हैं सिल्ट से ही बनेगा, अभी हम उसको बातें करेंगे डिटेल में बहुत ही अच्छे से। तो ये सिल्ट है एक्चुअल में, सिल्ट रॉक है, सिल्ट जो है इसका साइज बड़ा होता है, क्ले का साइज बहुत ही फाइन ग्रेन होता है। सिल्ट जो है ये एक तरह से इसी से हमारा ये सिल्ट और क्ले बोथ आर द सीमेंटिंग एजेंट, यानी दोनों जो है एक तरह से रॉक्स को मजबूती बनाने में काम आते हैं। उसके अलावा जो है सिल्ट से ही मोस्टली जो है ये शैल रॉक्स बनती है, इससे क्या बनती है हमारी शैल रॉक्स बनती है, क्ले भी उसमें पाया जा सकता है। ये जो क्ले होता है ये जो है काओलिन का बना होता है, काओलिन क्ले रॉक का बेस्ट एग्जांपल हम ले सकते हैं हमारा ब्लैक सॉयल ऑफ डेकन प्लेटू, ब्लैक सॉयल ऑफ द डेकन प्लेटू। और ये काओलिन जो होता है ये हमारा होता है क्या कि कैल्शियम अल्मोनियम का कैल्साइड या ऐसे कोई इसका टर्म है जो है सिलिकेट अल्मोनियम, दिस इज द सिलिकेट अल्मोनियम, सिलिकेट अल्मोनियम होता है ये काओलिन, क्या होता है सिलिकेट अल्मोनियम होता है, सिलिकेट अल्मोनियम, सिलिकेट अल्मोनियम का मतलब कि जिससे पेस्ट बनता है, जिससे सिरेमिक इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है सिलिकेट अल्मोनियम का। और ये काओलिन जो है ये बेसिक जो है मिनरल है जो कि जिसका क्ले बना हुआ है, क्ले का एक्चुअल कलर जो है व्हाइट ही होगा क्योंकि क्ले में सबसे ज्यादा एबंडेंट अमाउंट में काओलिन पाया जाता है। अगर इसका कलर व्हाइट होगा तो इसका ब्लैक सॉयल हम क्यों कहते हैं वहां का डेकन प्लेटू वाला, उसका कारण यह कि उसमें इंप्योरिटीज मिल जाते हैं जैसे आयरन कंटेंट, जिसके कारण क्या होता है फेरस ऑक्साइड वगैरह आयरन कंटेंट, जिसके कारण इसका कलर ब्लैक हो गया। लेकिन एक्चुअल कोई भी क्ले होगा तो उसका कलर काओलिन यानी कि व्हाइट ही होना चाहिए और उसमें सिलिकेट अल्मोनियम यानी कि केमिकल जो कंपोजिशन उसका यही है, तो इस तरह से इसका कलर ब्लैक ना होकर के व्हाइट ही होना चाहिए। लेकिन उसमें जब इंप्योरिटीज मिल जाएंगे, इंप्योरिटीज का मतलब कि जैसे हमारा ये हो गया अरे क्या नाम है आयरन कंटेंट, ठीक है आयरन ऑक्साइड वगैरह, तो इसलिए इसका कलर ब्लैक हो जाता है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट हमारा जो है मेटामॉर्फिक रॉक्स, अगला हमारा टॉपिक है मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो लमसम जो है 1 आवर्स हो चुके हैं, मेटामॉर्फिक्स को हम जल्दी से खत्म कर लेते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक का मतलब क्या होता है रूपांतरित चट्टानें। रूपांतरित चट्टानों का मतलब यह हुआ कि जब कोई भी रॉक्स पहले से एग्जिस्टेड है और वही रॉक्स बाद में जो उस पर फर्दर फंक्शन यानी कि एक्शन होता है और वो चेंज होकर के बदल जाती है
तो उसी को हम कहेंगे मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फ का मतलब क्या होता है? मॉर्फ, मॉर्फ का मतलब होता है टू चेंज द शेप। मेटामॉर्फिक, मॉर्फ का मतलब क्या होता है? टू चेंज द शेप। यहां मॉर्फ का मतलब क्या होता है कि टू चेंज द शेप, लेकिन यहां पे शेप खाली नहीं बदलता है, तो चेंजेस इन कोई भी रॉक्स पहले से अवेलेबल है। इट्स मे बी द इग्नियस रॉक्स, इट मे बी द सेडिमेंटरी रॉक्स, इट मे बी द मेटामॉर्फिक रॉक्स, कोई भी रॉक्स पहले से अवेलेबल है और इसमें क्या है, बदलाव आएगा। क्या आएगा? चेंजेस आ रहे हैं। चेंजेस आने के बाद ये क्या हो जाता है, इसमें कैसे चेंजेस आ जाते हैं? टेक्सचरल चेंजेस, मे चेंज द टेक्सचर, मे चेंज इट्स केमिकल कंपोजिशन, मे चेंज इट्स केमिकल कंपोजिशन, मे चेंज इट्स टेक्सचर, केमिकल कंपोजिशन एज वेल एज द स्ट्रक्चर, एज वेल एज द स्ट्रक्चर। टेक्सचर, व्हाट इज द टेक्सचर? साइज ऑफ द ग्रेन। टेक्सचर मींस साइज ऑफ द ग्रेन, साइज ऑफ द ग्रेन। केमिकल कंपोजिशन का मतलब कि जब कोई भी रॉक्स उसको बहुत ज्यादा हीट की जाए या उसमें दूसरा केमिकल आकर के मिल जाए तो उसका केमिकल कंपोजिशन बदलने लगता है, या उसमें प्रेशर के कारण जो है या टेम्परेचर के कारण उसमें जो है चेंजिंग आते रहे तो उसको केमिकल कंपोजिशन हो जाएगा, बदल जाएगा। स्ट्रक्चर मींस लेआउट, स्ट्रक्चर मींस हाउ इट्स लुक लाइक, हाउ इट्स लेआउट, हाउ इट्स इट्स मतलब कि डिजाइन एंड शेप। तो दिस इज द स्ट्रक्चर, इट्स फॉर्मेशन। अब हम बात करते हैं कि इग्नियस रॉक्स, सॉरी ये मेटामॉर्फिक रॉक्स, तो इट्स फॉर्म्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स फॉर्म्ड, इट फॉर्म्ड अंडर द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एज वेल एज द वॉल्यूम। मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होता है? ये प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम के बदलने के कारण उसकी अंदर बदलाव आ जाता है, उसी को हम मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। कोई भी प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स है, मे बी इट्स इग्नियस रॉक्स, मे बी सेडिमेंटरी रॉक्स, मे बी मेटामॉर्फिक रॉक्स, इसके कैरेक्टर्स में बदलाव आ जाता है। क्यों? टेम्परेचर के कारण, प्रेशर के कारण, वॉल्केनिक एरप्शन के कारण। मान लीजिए कि एक फोर्स इधर से आती है, एक फोर्स इधर से भी आती है, एक रॉक का टुकड़ा यह है, कुछ टाइम के बाद यह रॉक कुछ इस तरह से हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी ये रॉक्स, क्योंकि दो फोर्स काम की। नेक्स्ट टाइम पे यही रॉक्स हमारी कुछ इस तरह से हो जाएगी, इस तरह से हो जाएगी, इसमें एक फोर्स इधर से काम की, एक फोर्स इधर से काम की। तो यही जो बदलाव इसमें आ रहा है हमने देखा यहां पे, तो ये क्या है आपका? प्रेशर के कारण हुआ। मोस्टली इसमें कौन सा प्रेशर काम कर रही है? कंप्रेशन फोर्स। कंप्रेशन फोर्स मीन्स कन्वर्जेंस फोर्स कमिंग टू ईच अदर साइड्स, मीटिंग एट ए पर्टिकुलर प्लेस, व्हेन फोर्सेस मीट टू ईच अदर्स, ठीक है, एंड इट्स बकल डाउन, इट्स रिड्यूस द एरिया, ठीक है, ऑफ द प्लेट, रिड्यूस द एरिया ऑफ द रॉक्स, और जो है उसमें क्या है कि बहुत कंप्रेक्शन कर देता है। ये टेम्परेचर भी उसमें कहीं ना कमी, कभी कभी फोर्स क्या होता है ऊपर से पड़ सकती है, मतलब एक रॉक उसके ऊपर हो जाए, दूसरी रॉक उसके ऊपर हो, तो इस तरह से सुपर इनकम्बेंट फोर्स हम कह सकते हैं वो काम कर सकती है। तो दोनों तरह का फोर्स हो सकता है, कि हॉरिजॉन्टल या लेटरल फोर्स हो या वर्टिकल फोर्स काम कर रही हो, ठीक है। तो ये प्रेशर हो गया हमारा। उसके अलावा टेम्परेचर, टेम्परेचर का मतलब कि अर्थ के अंदर अपनी हीट होती है। अब हीट जो होती है ये प्रेशर और हीट के कंपैक्शन पे, उसके एक पार्टिकुलर जो है रेशियो पे काम करने के आधार पे इसमें जो बदलाव होता है, अगर वॉल्यूम उसका घट जाता है तो प्रेशर में फर्क पड़ेगा। किसी चीज का हमने वॉल्यूम कम कर दिया तो गोया प्रेशर को हमने जो है बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, जो वॉल्यूम हमने फैला दिया खूब ज्यादा किसी चीज का, तो गोया कि प्रेशर कम हो गया। अब प्रेशर अगर मान के चलिए कि किसी चीज का कम हो गया, तो टेम्परेचर जो नहीं है,
यानी कि जैसे सपोज दैट हमारा जो है कुकर है, कुकर में हम क्या करते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट हमको बढ़ा देते हैं क्योंकि उसमें प्रेशर ज्यादा पड़ जाता है, तो बॉइलिंग पॉइंट हमारा 100 पे ना होकर के 110 115 पे पहुंच जाएगा ऑलमोस्ट मान लीजिए। इसीलिए दाल गलाने के लिए पहाड़ी एरियाज में जहां पे एयर का प्रेशर कम होता है कंपेरिजन टू प्लेन एरियाज, तो जब प्रेशर कम रहेगा तो वहां पे बॉइलिंग पॉइंट जो है 95 या 97 पे हो जाएगा, जबकि अगर यहाँ पे प्लेन एरियाज में जो है अपने जनरली 100 पे होता है। तो मान लीजिए कि तो उसको प्रेशर को अगर हम जो है बढ़ा देते हैं कि देखिए इसका खूब ज्यादा प्रेशर पड़ता है उस पर, तो क्या है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है तो ज्यादा और ज्यादा उसमें जो है हीट काम करने लगेगी। तो इसी तरह से वॉल्यूम इन तीनों का के मतलब कि फंक्शन के कारण जो है इसमें जो बदलाव आता है उस वाली रॉक्स को हम क्या कहते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। अब मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में कुछ हमें चीजें जान लेते हैं कि इसके मतलब कि एक चीज इसकी कैरेक्टर्स में क्या होती है कि तो क्या है कि ऑलरेडी कंसोलिडेटेड रॉक्स अंडरगो रिक्रिस्टलाइजेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मटेरियल विद इन ओरिजिनल रॉक्स। एक कैरेक्टर इसकी ये होती है मेटामॉर्फिक की रॉक्स की कि इसमें जो है रीऑर्गेनाइजेशन एंड रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ अ प्री एग्जिस्टिंग रॉक, रीऑर्गेनाइजेशन रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स। पहले से कोई रॉक्स मौजूद है उस रॉक्स के क्रिस्टल में बदलाव हो जाए, उस रॉक्स का जो अपना कोर्स ग्रेन है उसमें बदलाव हो जाए। हमने क्या बताया था इग्नियस रॉक वाली कंडीशन में, जब कोई भी मलबा, ये मान लीजिए आर सरफेस है, एक वॉल्केनिक इरप्शन यहां पे होकर के यहां पे लावा को डिपॉजिट करता है, एक कंडीशन क्या है कि वॉल्केनिक इरप्शन होकर के लावा इनसाइड अंदर ही ऐसे कहीं डिपॉजिट हो जाता है, अर्थ के अंदर ही डिपॉजिट होता है। इन दोनों कंडीशन में फर्क क्या होता है कि फास्ट कूलिंग बिकॉज इट्स कम अंडर द कॉन्टैक्ट ऑफ द एटमॉस्फियर, ये जो है बहुत तेज कूल होगा, ये स्लो कूलिंग होगा इसमें। ये स्लो कूलिंग का मतलब कि इसमें जो है टेम्परेचर ज्यादा दिनों तक बाकी रहेगा, क्यों, क्योंकि इसके पास टेम्परेचर को रिलीज करने के या रेडिएशन होने का इसमें कोई चांस नहीं है। दूसरा कारण यह हो सकता है कि इसमें अंदर की जो अर्थ की हीट है वो भी कहीं ना कहीं इसमें जो है समोई हुई है। जब यह फास्ट कूलिंग होगा तो उसमें क्या होगा, फाइन ग्रेन बनेंगे। इस वाली कंडीशन में हमने देखा कि कोर्स ग्रेन का मतलब बड़ा दाना, फाइन ग्रेन का बारीक दाना, माइन्यूट यानी बहुत ही बारीक बारीक दाने बनेंगे। इसमें क्या होगा कि क्रिस्टल फॉर्मेशन होगा, इस वाली कंडीशन में हमने क्या देखा, नो क्रिस्टल, इसमें क्रिस्टल नहीं बनेगा। यह वाली मिसाल हमने क्या दिया, ग्रेनाइट रॉक्स, यह हमने क्या कहा जो है बसाल्ट रॉक। यह क्या है, दोनों कंडीशन क्या है आपकी, इग्नियस रॉक की कंडीशन थी। अब यह देखिए रीऑर्गेनाइजेशन एंड रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स। यहां पे हमने प्री एग्जिस्टिंग रॉक का मतलब क्या ले लिया, दैट इज इग्नियस रॉक मान लीजिए। अब इग्नियस रॉक्स पहले से मौजूद है, उसके क्या है क्रिस्टल्स के में, उसके जो है कोर्स ग्रेन में, उसके जो है आपका ये वाला जो है आपका फाइन कोर्स ग्रेन हो उसमें भी बदलाव हो सकता है अगर वो कहीं पे नीचे चली जाए और उसके ऊपर और लेयर जमा हो जाए। जैसे ये वाली कंडीशन है, देखिए ये फाइन ग्रेन रहा होगा, फिर इसके ऊपर ये लेयर जमा हुई, फिर ये लेयर जमा हुई, फिर इधर ऐसे लेयर जमा होती चली गई, तो कहीं ना कहीं इस पे जो प्रेशर कंपैक्शन फोर्स काम कर रहा है और हीटिंग जो है ज्यादा इसमें पड़ेगा तो ये जो है चेंज हो जाएगा, इसके रूप में बदल जाएगा, इसलिए इसको रूपांतरित चट्टान भी कहते हैं, और इसका जो है रीऑर्गेनाइज होने लगेगी ये रॉक्स। इस तरह से इसको क्या कहा जाएगा, यही इग्नियस रॉक्स हमारी किस में कन्वर्ट हो गई, मेटामॉर्फिक रॉक्स में।
कभी कभी सेडिमेंटरी रॉक्स भी मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्या है कि इसमें एक होता है फोलिएशन, यानी कि बेल बूटेदार, एक कैरेक्टर इसका क्या होता है, हो सकता है इसमें फोलिएशन, फोलिएशन, फोलिएशन या बेल बूटेदार, फ्लोरा होता नहीं, फ्लोरा से बना है फोलिएशन, यानी कि जिसमें फ्लावर्स वो होते हैं, मतलब कि बेल बूटे की तरह जिसका आकार होता है उसी को फोलिएशन कहते हैं। कोई भी रॉक्स है फोलिएशन हो भी सकता है और मे नॉट भी, मे बी या मे नॉट बी। फोलिएशन का मतलब क्या होता है कि स्ट्रीकिंग, यानी कि डिपोजिशन ऑफ ए पार्टिकुलर टाइप ऑफ मिनरल इन ए लीनियर फॉर्म इनसाइड द मेटामॉर्फिक रॉक्स। मान लीजिए कि ये कोई भी ऐसे मेटामॉर्फिक रॉक्स है, अब इसकी क्या है, ये लेयर, मान लीजिए ये स्लेट है मेटामॉर्फिक रॉक्स की, एक वो है वैरायटी है, ये वाली एक लेयर है मेटामॉर्फिक रॉक की स्लेट की, ये वाली स्लेट की दूसरी लेयर है, स्लेट की ये तीसरी लेयर है, ये क्या है आपका ऐसे ऐसे कुछ है। अब इसी में हमने क्या देखा कि जो है इसी में क्या है कि ऐसे एक ऐसे कोई भी लेयर ऐसे जमा होती चली जाए, ऐसे इस तरह से, तो इसको फोलिएशन कहते हैं। और इस वाली रॉक्स को जब हम निकाल के लेके आते हैं जमीन से, माइनिंग करके आते हैं और फर्श में या कहीं पे टाइल के तौर पे, यानी कि इस पे मार्बल के तौर, सॉरी मार्बल वार्बल के तौर पे इसको यूज करते हैं, तो हमने क्या देखा होगा कि कभी कभी पूरा का पूरी पूरी रॉक्स जो है आपकी व्हाइट कलर की है, बीच में येलो कलर है, थोड़ा सा जो है आपका ब्लैक कलर हो जाता है। तो यही है फोलिएशन, यही ब्लैक कलर, यही व्हाइट कलर के कारण हो जाता है रॉक्स में जो होता है। अब इसी को अगर इस तरह से कुछ डिजाइन किया जाए कि ये वाला हिस्सा जो है ऐसे कुछ, मतलब कि इसका कलर इस तरह से वो और अच्छे से रॉक्स लगने लगे और बिल्डिंग मटेरियल में, कंस्ट्रक्शन में, आर्किटेक्ट में काम किया जाए तो उसको कहा जाएगा। लेकिन सारे रॉक्स नहीं ऐसा, ऐसी कंडीशंस होती हैं, कुछ में होती है कुछ में नहीं होती है। जैसे कि आपका मान के चलिए कि शेल है, शेल है, सिस्ट है, मतलब कि कुछ में है कुछ में नहीं है। जैसे मान के चलिए ये है, अरे स्लेट है, तो स्लेट में क्या होगा, हमारा स्लेट है, इसमें फोलिएशन होगा। हमारा जो है ये जो एक रॉक्स ये होती है मार्बल, मार्बल में कहीं कहीं हो सकता है कहीं कहीं नहीं होता है, मार्बल में जनरली नहीं रहता है, पूरी की पूरी रॉक व्हाइट जो होती है, थोड़ा बहुत ये फोलिएशन हो सकता है, ब्लैकिश कलर हो जाता है, क्योंकि वो इंप्यूरिटीज जो आकर के इसमें जमा हो जाती हैं, दूसरे मिनरल इसमें आकर के जमा हो जाती हैं। तो इस तरह से शिष्ट है, नीस है, शिष्ट, शिष्ट, नीस, ये सारे में फोलिएशन होता है, किसी में नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारा जो है क्या है कि मार्बल हो गया, सैंड, ये लाइम स्टोन हो गया, और इस तरह से जो रॉक्स हैं इसमें पाई जाती है। नेक्स्ट क्वालिटी इसकी क्या है कि चेंज इन द फॉर्म्स बट डज नॉट डिसइंटेग्रेशन, इसमें बदलाव तो होता है लेकिन इसमें डिसइंटेग्रेशन नहीं होता। डिसइंटेग्रेशन के का मतलब क्या होता है कि इसमें, ठीक है, चेंजेस डज नॉट मीन द डिसइंटेग्रेशन, इंटेग्रेशन, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि यह बहुत ही ज्यादा सॉलिड और कंसोलिडेटेड होती है, बहुत हार्ड हो जाती है, यह सेडिमेंटरी और इग्नियस के मुकाबले में फर्दर हार्ड हो जाती है। और उसके अलावा ये जो है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वगैरह में ज्यादा यही यूज होता है। अब इसमें क्या है, इसके सोर्स के आधार पे हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हमारा जो है इग्नियस रॉक्स है, इग्नियस रॉक्स, एक हमारा सेडिमेंटरी रॉक्स है, सेडिमेंटरी रॉक्स है। अब अगर हम इग्नियस रॉक के आधार पे इसको डिवाइड करते हैं तो इसको हम पहले एक तरफ से देखते हैं। जैसे कि ग्रेनाइट से हमारा जो है, मान लीजिए कि यहां पे इग्नियस रॉक्स हमने लिखा और मेटामॉर्फिक रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स,
ये ग्रेनाइट है, इग्नियस रॉक है। ग्रेनाइट रॉक से हमारा जो है शिष्ट बन जाता है, शिष्ट बन जाता है। ग्रेनाइट से हमारा जो है शिष्ट एंड नीस दोनों बनेगा, ठीक है। उसके अलावा जो है गैब्रो से सर्पेंटाइन, गैब्रो से सर्पेंटाइन बनेगा हमारा। उसके अलावा जो है इसमें ले लेते हैं कि जो लाइमस्टोन है उससे मार्बल बनेगा। लाइमस्टोन जो है हमारा यह सेडिमेंटरी रॉक्स है, और इसमें मेटामॉर्फिक लिख देते हैं इधर पे। लाइमस्टोन जो है, लाइमस्टोन से हमारा मार्बल बन गया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है सैंड स्टोन से हमारा जो है क्वार्ट्ज बन जाएगा, क्वार्ट्जाइट बन जाएगा। सैंड स्टोन से हमारा क्वार्ट्जाइट बन जाएगा। अभी हम इसको डिस्कस करते हैं कि क्या क्या है। शैल और क्ले से हमारा स्लेट बन सकता है, शैल एंड क्ले से हमारा स्लेट बन सकता है, स्लेट बन सकता है। तो ये शैल जो एक्चुअल में ये सेडिमेंटरी रॉक्स ही है, और इससे हमारा स्लेट बन गया। उसके अलावा हमारा जो है, देखिए हम स्टार्ट करते हैं यहां से शैल से। ये जो शैल रॉक है, ये शैल रॉक होती क्या है कि बहुत ही कंपैक्ट होती है, वाटर और एयर इससे आसानी से गुजर नहीं सकते। तो पहले नंबर पे हम लिखते हैं शैल रॉक। शैल रॉक क्या है, क्या ये सेडिमेंटरी रॉक्स की वैरायटी है जो कि छूट गई थी, इसको हम डिस्कस नहीं कर पाए। तो शैल रॉक्स क्या होती है कि ये बहुत ही ज्यादा आपस में कंपैक्शन के कारण, कंपैक्शन कैसे होता है कि दो फोर्सेज अपोजिट डायरेक्शन में से आए और आमने सामने टकराए। तो अगर रॉक्स को मान के चलिए कुछ इस तरह से इसमें एंटीक्लाइन या सिंक्लाइन वाली कंडीशन आ गई, और ये रॉक्स जो है इस तरह से, देखिए ये फोर्स इधर से आई और एक फोर्स इधर से आई, और दोनों इस तरह से जैसे हिमालय है, ये आपका मान के चलिए शिवालिक है, ये आपका क्या है लेसर हिमालय, ये आपका ग्रेटर हिमालय। इसमें हमने क्या देखा कि जो ये रॉक्स का ये ऊपरी वाला हिस्सा है, ये वाला ऊपरी वाला हिस्सा, ये ऊपरी हिस्सा जो है ये इतना ज्यादा कंपैक्ट हो जाता है। क्यों कंपैक्ट हो जाता है? लिथिफिकेशन के कारण। और अंदर इसमें प्रेशर, और मतलब कि ये प्रेशर लगा नहीं है, प्रेशर साइड वाली प्रेशर। उसके अलावा इसमें जो है जो सीमेंटिंग एजेंट है, जो कि मान के चलिए कि इसमें क्ले और जो है सिल्ट वगैरह इसका सीमेंटिंग एजेंट होता है शैल रॉक का, और इतना ज्यादा इसके लेयर को कंपैक्ट कर देता है, इतना ज्यादा इसको कंपैक्ट कर देता है। मान लीजिए नीचे वाले साइड से भी कंपैक्ट कर दिया, नीचे वाले साइड से भी इसको इतना कंपैक्ट कर दिया इस वाली रॉक को। यह है क्या, ये सारा का सारा लेयर है। किसका लेयर है आपका? शैल का लेयर है। तो एक समय ऐसा आता है कि इसके अंदर जो है सारा का सारा हमारा मिनरल्स जो होता है यहां ना जमा होकर के यहां पे होगा, यहां पे जमा होगा, यहां पे पहले ऑयल जमा होगा, ऑयल, और इसके ऊपर ये गैसेस जमा होंगे क्योंकि वो लाइट होती है। यहां पे जनरली जमा नहीं होती क्योंकि फोर्स जब लगता है तो ये स्पेस यहां पे क्रिएट होता है। जैसे अगर हम कोई पाइप अगर ऐसे दो साइड से अगर वो करते हैं तो वैसे इस तरह से अगर उठेगा तो पानी जो है या लिक्विड कोई भी होगा या गैस होगा तो ऑटोमेटिक ऊपर जाकर के स्टॉक में हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, और यहां पे स्पेस जो है ये कम हो जाएगा, इसकी जगह आपस में मैच कर जाएगा, मिल जाएगा, क्योंकि ये फोर्स के कारण ऐसा होगा, और यहां थोड़ा सा स्पेस ज्यादा होगा तो इस वाली लेयर में जमा होगा। यहां पे क्या हो जाएगा, ऑयल जमा होगा, या पेट्रोलियम ऑयल भी हो सकता है, या जनरली शैल रॉक्स में जो ऑयल होते हैं उसको हम शैल ऑयल या शैल गैस कहते हैं। लेकिन यही फर्दर अगर कंप्रेशन फोर्सेस और हीट अगर इस पे काम करती रहती है तो ये पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कह सकते हैं कि जो शैल ऑयल या शैल गैस है ये मैच्योर फॉर्म नहीं है, ये फर्दर अगर इस पे जो है कंप्रेशन ऑफ फोर्स और इस पे हीटिंग काम करती रहेगी तो यही चीज कन्वर्ट हो जाएगी बाद में आपका उसमें। तो इस तरह से यहां पे जमा हो सकता है, और यहां पे ऊपर वाले हिस्से में क्या हो जाएगा, गैस हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, पेट्रोलियम हो गया या शैल ऑयल हो गया, ऊपर क्या हो गया हमारा गैस है, नेचुरल गैसेस हो गए। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं, अच्छा
अब आ जाइए शैल एंड क्ले, शैल एंड क्ले की बात करते हैं। शैल और क्ले पे जब काम होता है तो उससे स्लेट बन जाता है। स्लेट में क्या है, स्ट्रीक्स होता है यानी कि फोलिएशन होता है जनरली। उसके अलावा हमारा जो सैंड स्टोन होता है, सैंड स्टोन से क्या होता है हमारा कि क्वार्ट्जाइट बन जाता है। सैंड स्टोन में बेसिक जो है हमारा जो है क्वार्ट्ज है। बेसिक मिनरल सैंड स्टोन का क्या है, क्वार्ट्ज है। बेसिक मिनरल इसका क्वार्ट्ज है, क्वार्ट्ज। इसी क्वार्ट्ज के कारण इसका नाम रख दिया गया क्वार्ट्जाइट। सैंड स्टोन में अगर कोई भी मिनरल डोमिनेटेड है, ऐसा है हो सकता है कि उसका उसका जो है कलर जो है डोमिनेटेड हो या ज्यादा इन्फ्लुएंशियल या इफेक्टिव कलर हो, तो उसको इसको रूपांतरित करके उस तरह से उसमें कर देता है। इसी को हम क्वार्ट्जाइट को सैंड ब्लास्ट भी कह सकते हैं, सैंड ब्लास्ट भी कह सकते हैं। सैंड ब्लास्ट ये देखिए, ये जो है मतलब कि सॉफ्ट तो ये भी नहीं है, हार्ड है, बट ये रॉक्स जो है आपका सैंड स्टोन जो है आसानी से टूट जाएगा। ये क्वार्ट्जाइट बहुत ज्यादा मजबूत हो गई, सॉलिड हो गई, ये आसानी से कैन नॉट बी ब्रोकन। सैंड ब्लास्ट का मतलब कि जो रेलवे ट्रैक्स में पत्थर यूज होता है उसी को हम रेलवे ट्रैक्स, यूज इन रेलवे ट्रैक्स, यूज इन रेलवे ट्रैक्स, रेलवे ट्रैक में जो पत्थर यूज होता है रेल की पटरियों के साइड में, वही क्वार्ट्जाइट है, उसी को सैंड ब्लास्ट भी कहते हैं। कितना मजबूत पत्थर होता है, आसानी से नहीं टूट सकता, उस पर जो है इरोजन भी नहीं जल्दी से होगा, उसका जो है वेदरिंग भी नहीं होगा, केमिकल वेदरिंग आसानी से नहीं होगा, यानी आसानी से उसके जो पार्ट्स हैं उसके जो ग्रेस आसानी से लूज नहीं होंगे। अगर इसी सैंड स्टोन्स में हमने क्या किया, थोड़ा सा आयरन ऑक्साइड जोड़ दिया, आयरन ऑक्साइड, तो इसका कलर क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। इस तरह से यही रेड वाला चीज क्या बन जाएगा आपका, फिर बाद में रेड सैंड स्टोन्स, क्या कहलाएगा, रेड सैंड स्टोन। रेड सैंड स्टोन्स का मतलब कि जो आपका आगरे का फोर्ट है अकबर फोर्ट, दिल्ली का लाल किला, और जितने भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं आपके, सॉरी मोनूमेंट्स हैं राजस्थान के, वो सारे के सारे आपका रेड सैंड स्टोन से बने हुए हैं। रेड सैंड स्टोन्स का मतलब ये सैंड स्टोन्स है, इसमें आयरन कंटेंट ज्यादा हो गया, आयरन कंटेंट ज्यादा होने के कारण इसका कलर रेड हो गया, तो रेड कलर हो गया तो उसका मतलब थोड़ा सा लुक अच्छा हो गया, ओवरव्यू अच्छा लगता है इस पे, इसीलिए इसको हम रेड सैंड स्टोन्स भी कहते हैं, इसी का बना होता है। बट इसमें डोमिनेटेड मिनरल क्या आपका क्वार्ट्जाइट, क्वार्ट्ज ही है, इसीलिए इसका नाम पड़ेगा क्वार्ट्जाइट। नेक्स्ट हमारा जो है लाइम स्टोन है। लाइम स्टोन का बेसिक कॉन्स्टिट्यूंट मटेरियल क्या है हमारा, पॉलिप्स, जो ओशन में जो है एक तरह से ऑर्गेनिज्म है वो है, यानी कि कोरल लीव्स, वही कोरल लीव्स से हमारा लाइमस्टोन बनता है। इसी लाइमस्टोन जो अंदर अर्थ में अगर वो कंप्रेशन के कारण, फोर्स के कारण और टेम्परेचर के कारण सालों तक अगर रह जाता है तो इसी से मार्बल बन जाता है। मान लीजिए कि सपोज दैट हमने एक ऐसे, जगह कम है थोड़ी, एक मिनट, मान लीजिए कि ये जो है एक ऐसे रॉक का एक बड़ा सा हिस्सा हमने ले लिया यहां पे, और इसमें क्या क्या कि वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, वॉल्केनिक इरप्शन हुआ। ये वाला जो पूरा का पूरा रॉक है ये क्या है, लाइमस्टोन है, ये पूरा रॉक क्या है, लाइमस्टोन है। इसी में वॉल्केनिक इरप्शन होने के कारण ये जो आपका हिस्सा है आपका, इतने एरिया में जहां पे इस लावा का असर पड़ेगा, मान लीजिए इतने एरिया में इस लावा का असर पड़ा, इस एरिया में लावा का असर पड़ा, तो ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है इसमें किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मार्बल में कन्वर्ट हो जाएगा, मार्बल में कन्वर्ट हो जाएगा ये हिस्सा। लावा निकल करके अपने आसपास के एरियाज को जो नहीं है मेल्ट कर करके, पिघला करके मार्बल में कन्वर्ट कर दे रहा है यहां पे। इस तरह से ये हिस्सा जो रिमेनिंग अमाउंट है ये अभी, ये वाला क्या है आपका, लाइम स्टोन ही है, लेकिन ये वाला बहुत ही ज्यादा सॉलिड हो गया, तो इस तरह से मार्बल का फॉर्मेशन हो गया। अब ले लीजिए, अब जो है गैब्रो से सरपेंटाइन बनता है, ग्रेनाइट से शिष्ट बनता है। इसमें होता क्या है कि जो हमारा ग्रेनाइट है वो पहले माइका में कन्वर्ट होगा, माइका से जो है आपका शिष्ट में कन्वर्ट होता है, शिष्ट का मत के बाद जो वही चीज फिर हमारा नीस में कन्वर्ट हो जाता है। शिष्ट और नीस की बेस्ट एग्जाम्पल जो बुंदेलखंड प्लेटू है, सारा का सारा शिष्ट और नीस का ही बना हुआ है। ये शिष्ट और नीस जो है ग्रेनाइट, जब अंदर अर्थ में लावा निकलता है और निकल करके अर्थ के अंदर, मैग्मा निकल करके अर्थ के अंदर ही डिपॉजिट हो जाता है, और वही प्रेशर और टेम्परेचर के कारण जो है शिष्ट में कन्वर्ट होता है, शिष्ट से वही चीज जो है हमारा नीस में भी बन जाता है। इस तरह से
ये सारे के सारे मतलब कि फॉर्मेशन हो गए अलग अलग रॉक्स के। अब कुछ चीजें और इंपॉर्टेंट है, इसमें हम थोड़ा सा और इसको देख लेते हैं, एक दो रॉक्स और हैं शायद की। ये एक तो हमारा जो है लेपिस लजूली और एक जो है सोप स्टोन, लेपिस लजूली एज वेल एज द सोप स्टोन, लेपिस लजूली एंड सोप स्टोन। ये जो लेपिस लजूली है ये भी एक तरह से हमारा जो है ब्लू ग्रीन जो है एक तरह से ब्लू ग्रीन कलर का मेटामॉर्फिक रॉक्स है, ब्लू जेम मेटामॉर्फिक रॉक लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक्स ही है ये जो है। इसका कलर ब्लू होता है, ये ऑर्नामेंटल काम में आता है, इसका यूज किसमें है, ऑर्नामेंटल यूज है इसका, यानी कि जैसे कि बीट्स हो गया या अंगूठी हो गई या कहीं भी डेकोरेशन के लिए इस पत्थर का यूज होता है, आर्किटेक्ट में यूज होता है इसका लैपिस लजूली का। इसका कलर इसलिए ब्लू है कि इसमें पार्टिकुलर मिनरल जो है अंदर, जब ये था रॉक्स तो वही मिनरल जो है इसका कलर जो है डोमिनेटर मिनरल जिसमें हीट और प्रेशर और हाइड्रोजन ऑक्सीजन वगैरह कुछ थे इसमें, इसी कारण ये इस तरह से कलर हो गया। और ये सबसे पहले जो है इंडिया में आया यूज में जो मुगल पीरियड में जो है हुमायूं के पीरियड में, अच्छे खासे आर्किटेक्ट जो वहां से आए थे ईरान से, तो ये ईरान में बहुत ज्यादा यूज होता था आर्किटेक्ट वगैरह में, तो इंडिया में भी जो ला करके मुगल पीरियड की जितने भी कंस्ट्रक्शन है जितने भी आर्किटेक्ट है उसमें लैपिस लजूली यानी कि ब्लू कलर का जो जेम है वो यूज हुआ है डेकोरेशन के लिए, एक तरह से ये भी मेटामॉर्फिक रॉक है। नेक्स्ट हमारा जो है सोप स्टोन है, सोप स्टोन ये भी एक तरह से सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट इसलिए इसका नाम पड़ा, और ये भी मेटामॉर्फिक रॉक होता है। ये जो है एक तरह क्या है कि मेटामॉर्फिक रॉक्स है, मेटामॉर्फिक रॉक है सॉप स्टोन, और ये जो है इसका बेसिक कंस्ट्रक्शन मटेरियल क्या है, टाल्क है, टाल्क जो कि मैं एक दिन हम बात किए थे कि बहुत ही सॉफ्टेस्ट चीज है जो कि अर्थ पे पाई जाती है उसमें से, तो इसी का अगर ये बना हुआ है तो ऑटोमेटिक ये सॉफ्ट होगा, आसानी से इसको जो है थ्राश क्राश किया जा सकता है, यानी अपने हिसाब की चीजें डिजाइन में की जा सकती हैं, और ये एक तरह से वाटर इसमें आसानी से पेनिट्रेट कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इसका यूज किसमें था, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमने देखा होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो अलग अलग तरह के स्टेचूज बने हुए हैं या बीट्स में या ऑर्नामेंट्स में या आपका जो इस तरह से गले में चीजें पहनते हैं जो स्टैम्प्स या सील वगैरह जो बनी हुई थी, ये बहुत सारी चीजों में सॉप स्टोन्स वगैरह का इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमने देखा इसका यूज था। सॉप स्टोन की क्वालिटी एक चीज ये भी है कि ये जो है बहुत आसानी से, ये क्योंकि लूजन सॉइल लूजन एक तरह से रॉक्स है तो आसानी से ये हीट को एब्जॉर्ब करता है, लेकिन ये रेडिएशन बहुत स्लो करता है। रेडिएशन स्लो करने का मतलब कि जो ये जो पैलियोलिथिक एज है यानी स्टोन एज में पाषाण काल में जब लोगों के पास बर्तन के तौर पे ये पत्थर वगैरह यूज किया करते थे, तो बर्तन के तौर पे अगर वो पत्थर वगैरह यूज करते हैं तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि सोप स्टोन का बर्तन पहले यूज किए होंगे या इसी तरह से किसी रॉक्स का यूज करेंगे, क्योंकि ये आसानी से हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन रेडिएशन जो है बहुत स्लो करता है, यानी कूलिंग बहुत स्लो होता है। तो अगर कोई भी चीज आसानी से हीट को एब्जॉर्ब करेगी आप, तो उसको चावल पकाना या कुछ बनाना हुआ, हीट करना हुआ, गर्म करना हुआ, तो ये एक तरह से काफी जो है यूजेबल रहा होगा पॉट उनके लिए यूटेंशियल के तौर पे सॉप स्टोन से। कब है जो स्टोन है इस पीरियड में, उसके अलावा हमारे पास एक चीज और थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। ये तो रॉक्स हमारा एंड हो गया है, अब इसमें एक चीज रहेगी हमारा डायमंड है। डायमंड, अब सवाल ये भी आता है कि डायमंड्स क्या चीज है, तो एक रॉक्स होती है इग्नियस रॉक्स की एक वैरायटी है किम्बरलाइट। किम्बरलाइट क्या है, ये इग्नियस रॉक है, ये एक्चुअल में इग्नियस रॉक है। इग्नियस रॉक का मतलब कि मान लीजिए कि ये सरफेस है जिस पे हम रहते हैं, वॉल्केनिक एरप्शन होने के कारण पहले कोई भी जो है कार्बन कंटेंट अर्थ के अंदर 150 किलोमीटर डेप्थ में या उससे ज्यादा डेप्थ में
कहीं पे कार्बन कंटेंट ऐसे स्टॉक्स है, और वही कार्बन कंटेंट हीट के कारण जो है जैसे कि बबल्स होता है या फोम की तरह जनरेट होकर के ऊपर की तरफ मूव करने लगता है। यही हीट जो है कहां पे 150 किलोमीटर या उससे ज्यादा डेप्थ में ये कार्बन कंटेंट कुछ ऐसा हो जहां पे मैग्मा फ्लो करता रहे और उस मैग्मा में फ्लो करके ये ऊपर की तरफ मूव करने लगे। क्यों मूव करने लगेगा? क्योंकि ये थोड़ा मॉइस्चर या बबल की तरह या फोम की तरह हो जाएगा, और यही फॉर्म की तरह बबल की तरह जब वॉल्केनिक एरप्शन के कारण ये ऊपर की तरफ आने लगे। कहां की बात मैं कर रहा हूं? ये वाला हमारा हिस्सा है आपका मेंटल वाला, मेंटल में इसका फॉर्मेशन कहां होता है? मेंटल में फॉर्मेशन होता है। मेंटल में फॉर्मेशन होने के बाद कुछ फॉर्म या कुछ इस तरह से बबल जिसमें कि कार्बन के कॉन्टेंट ज्यादा हो, और वो जो है वॉल्केनिक एरप्शन के कारण अर्थ के करीब आने लगे, अब अर्थ कर्व के करीब आने लगे तो जो ये पाइप है जो कॉन्ड्यूट है जिसमें ये आकर के कहीं पे जमा हो जाए, और यही फिर डायमंड्स कहलाता है। तो ज्यादातर हिस्सा जो है डायमंड्स माइनिंग करने में हम कहां पाते हैं? किम्बरलाइट्स में, एक तरह से रॉक्स है जो कि इग्नियस रॉक्स है, उसी में ये डायमंड पाया जाता है। डायमंड का फॉर्मेशन कहां हुआ? मेंटल में इसका फॉर्मेशन होता है। फॉर्मेशन होकर के करस्ट की तरफ यानी सरफेस की तरफ मूव कर जाती है। हम मैक्सिमम कितनी दूर तक माइनिंग कर सकते हैं? 10 से 12 किलोमीटर शायद अब तक मैक्सिमम माइनिंग हुई है, उससे किलोमीटर ज्यादा डेप्थ में नहीं कहीं ड्रिलिंग हुई है। तो ये बहुत ज्यादा हुआ तो 2-4 किलोमीटर तक माइनिंग करते हैं। तो यही वॉल्केनिक जो है लावा निकल करके ये आकर के इसी की जो पाइप में, जिसको हम ये डाइक कहते हैं, जब लावा अर्थ के अंदर जमा हो जाता है, ठीक है, तो इसी डाइक में कहीं ना कहीं आकर के ऐसे ये स्टॉक हो जाता है या स्टॉक हो जाता है, फंस जाता है, जमा रहता है। इसी को डायमंड्स को हम फिर माइनिंग करके निकालते हैं। कहां से निकालते हैं? इस तरह की रॉक से। इस रॉक्स को क्या कहते हैं? किम्बरलाइट रॉक कहते हैं। ये हमारा जो है रॉक सिस्टम खत्म हो गया। अब हमारा अगला टॉपिक होगा, उसके हिसाब से हम बातें करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय।